आज अकाउंट्स का हम लोगों का दूसरा दिन है और आज हम लोग अपना सिलेबस शुरू कर रहे हैं। जैसे पिछले दिन बात किया था कि पहले पार्टनरशिप से शुरू करेंगे, तो पार्टनरशिप ही शुरू कर रहे हैं। पार्टनरशिप में पहले दो दिन हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, तो पार्टनरशिप, और जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं वो लोग इसका जो हम नोट्स यहाँ फॉलो कर रहे हैं वो वहाँ से जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से डाउनलोड जरूर कर लें और पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। तो इसमें देखो, पार्टनरशिप में पहले हम लोग कोई भी पार्टनरशिप में अकाउंटिंग पार्ट जो है हमारा वो तो सेकेंडरी चीज़ है, बहुत इजी चीज़ है। बस यहाँ पे असली बात ये है कि हमारा पूरा उस पार्टनरशिप का नियम मालूम होना चाहिए कि हम कैसे पार्टनरशिप करते हैं या क्या होता है, कैसे होता है। लिखने का पार्ट इस बार थोड़ा कम किए हैं क्योंकि हम नोट्स आपको पकड़ा ही दिए हैं, फिर भी हम आपको कुछ कुछ चीज़ें लिख के दिखाएंगे और जो ज़रूरत है जितना भर उतना तो लिखेंगे। तो पार्टनरशिप एक्ट जो है वो सबसे पहले एक्ट समझ लो। पार्टनरशिप एक्ट क्या है, जब पहले के लोग पार्टनरशिप करते थे तो उनके पास कोई कानून वानून नहीं था, तो वो क्या करते थे, पार्टनरशिप लेकर के उनको आए दिन झगड़ा हो जाता था। पिछले दिन भी बताया था कि भाई मनुष्य जो है वो लालची व्यक्ति है, और उसके अभी सर इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा रहे थे डिजायर का एंड नहीं है। तो डिजायर, एक इच्छाएं आप पूरी करेंगे तो दूसरी इच्छा आ जाएगी। ये ऐसे ही है जैसे हवन कुंड में घी डालते जाइए तो लगेगा कि शांत हो जाएगा, और घी डालते शांत हो जाएगा, ऐसी ही इच्छा है वो कभी भी नहीं भरेगा। इच्छा एक ऐसा घड़ा है जो जीवन पर्यंत नहीं भरता है। तो इसको, इच्छाओं से बचना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, उसको छोड़ दीजिए। खैर यहाँ वो प्रवचन नहीं चलेगा। तो फिलहाल आप ये समझिए कि पार्टनरशिप को लेके बहुत झगड़े होते थे, तो अंग्रेजों के टाइम में ये कानून बना और पार्टनरशिप एक्ट बना। तो पार्टनरशिप एक्ट कैसा होता है, क्या होता है, आपके प्ले स्टोर में आप अगर आप चाहेंगे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पार्टनरशिप एक्ट, केवल देखने के लिए। देखना, खोलना, कैसे कैसे सेक्शन है, हम जो जो सेक्शन की यहाँ बात करेंगे वो सेक्शन वहां पे बिल्कुल वही बात लिखी है नहीं लिखी है, एक बार देख लेना ताकि आपको परिचय रहे कि हाँ पार्टनरशिप एक्ट नाम का भी कोई चीज होता है। तो पार्टनरशिप एक्ट कब बना बताइए, 1932 में। आपको हमेशा ये दिमाग में, मतलब नाम के साथ ही जोड़ लो, आप कभी भी पार्टनरशिप एक्ट बोलेंगे तो आप बोलेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932, यही बोलना है। तो MCQs में भी पूछते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट कब बना, तो पार्टनरशिप एक्ट बना 1932 में। पार्टनरशिप क्या होता है, पिछले दिन हमने थोड़ी थोड़ी चर्चा की थी कि हम लोग साझेदार व्यवसाय जब बोलते हैं साझेदारी क्या होती है। तो पार्टनरशिप में हम लोग जनरली यही समझते हैं कि दो लोग मिल के काम धाम करें, कुछ भी दो लोग मिल के कर रहे हैं तो वो साझेदारी है। इवन क्रिकेट अभी होने वाला है, IPL तैयारी चल रही है ईडन गार्डन में, बहुत लंबे तौर पहला मैच यही है शायद 23 तारीख है, 21 तारीख, कितने तारीख को है, 22 को। देखो खिलाड़ी सब तैयार है, इसके बाद का चैप्टर क्या है पहले नहीं पता, ठीक है, खेला हो रहा है। एक्चुअली हम भी स्टेटस वगैरह पे लोगों के देख रहे हैं, तैयारी चल रहा है, रिंकू सिंह आ रहे हैं, विकेट पे माला चढ़ा रहे हैं, दूसरा एक लात से मार दे रहा है, कुछ तो ऐसे ही चल रहा है। हाँ दिखाया कि देखो एक, अब यहाँ पे हर चीज सनातनी हो गया है, वो फूल उल चढ़ा रहा है, दूसरा कोई उस दिखा रहा है अंग्रेज कोई उसमें लात मार के जीत गया, ऐसा कुछ दिखा। खैर तो क्रिकेट में भी पार्टनरशिप होता है, तो वहां पे वर्ल्ड पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप का सीधा सीधा मतलब हम समझते हैं कि कुछ लोग जो काम मिल के करते हैं। बार बार बता रहे हैं इस साल आप एकदम एब्सेंट नहीं करेंगे, ये आपका एकदम फाउंडेशन स्टोन है, अगर आप इसको गड़बड़ाएंगे तो लाइफ खराब हो जाएगा, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा, पढ़ाई लिखाई वाला ऑप्शन नहीं बचेगा, बाकी ऑप्शन बचेंगे। तो एकदम कसम खा लो कि हम लोगों को एब्सेंट नहीं करना है और जो काम जैसा कहा जाएगा करते जाइए देर से, लेकिन आप सीखेंगे तो पूरा और मजा आएगा, ठीक है। और प्रैक्टिकली चीज को अनुभव करने का कोशिश करना कि हम सीख रहे हैं समझ रहे हैं। तो दे दो, तो किसका किसका है ये, यही नोट्स तुम लोगों को वहां से डाउनलोड करके मिलेगा, वीडियो में भी देख लो भाई, लो पकड़ो पीछे पकड़ा दो। तो पार्टनरशिप में हम लोग समझते हैं कि जब कोई दो लोग मिलके करे तो, लेकिन हमारा जो पार्टनरशिप यहाँ पे वर्ड है वो बहुत डिफरेंट है और उसका मीनिंग भी डिफरेंट है। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, एक बार लिखते हैं, पहले पार्टनरशिप का डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं फिर उसके बाद में चर्चा करते हैं। इसको रोक दो थोड़ा देर के लिए। डेफिनेशन लिखा है ये, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन, बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि पार्टनरशिप है क्या। तो पार्टनरशिप यहाँ पे कह रहे हैं कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है, देखो इसके वर्ड्स, और बिल्कुल ये डेफिनेशन आपको पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में मिल जाएगा। अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो वहां सेक्शंस लिखे हुए हैं,
सेक्शन में खोलोगे तो यही रिलेशन है, और ये नोट्स में भी लिखा हुआ है, हम समझाने के लिए यहाँ लिख लिए क्योंकि हमको यहाँ पे कुछ समझाना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस, बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा अगर बोलचाल में बात में समझाएं तो पार्टनरशिप एक संबंध है कुछ लोगों के बीच में जो एग्री हो गए हैं टू शेयर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट को बांटने के लिए अग्री हो गए हैं ऑफ द बिजनेस, किसका प्रॉफिट, किसी बिजनेस का प्रॉफिट, कैरिड ऑन बाय ऑल, उस बिजनेस को सब लोग मिलकर चलाएंगे, कैरिड ऑन मतलब चलाएंगे, बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति चलाएगा। मान लो पांच व्यक्ति लोग मिलकर बिजनेस को शुरू किए लेकिन पांचों उसमें पढ़े लिखे नहीं है, तो कोई एक व्यक्ति उसमें से पढ़ा लिखा है तो वो अकेले भी बिजनेस को चला लेता है, तो उन्हीं में से कोई एक चलाएगा, तो एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बस समझ में आइए। अगला क्वेश्चन, ये डेफिनेशन लिखा हुआ है तो डेफिनेशन देखो यहाँ पढ़ लें थोड़ा सा, देखो क्या लिखा है, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखिएगा, दो नंबर में ये पूछते हैं। सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज फॉलोज। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये आपके नसों में चलना चाहिए डेफिनेशन एकदम, कुछ कुछ बातें हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि इसके फीचर क्या हैं, तो जैसे जैसे आप फीचर को समझेंगे डेफिनेशन को और अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, पार्टनरशिप एक रिलेशन है, पहला वर्ड इन्होंने बताया रिलेशन, दूसरा बता रहे हैं पर्संस, तीसरा बता रहे हैं हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये आपका खुला और यहां आपके बंद हो गया, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। पार्टनरशिप एक रिलेशन है, जैसे एक संबंध होते हैं, हर तरह के पारिवारिक संबंध है, तो पार्टनरशिप भी एक संबंध है, लेकिन ये पारिवारिक संबंध नहीं है, ये इन लोगों का बिजनेस व्यावसायिक संबंध है। बिजनेस में अगर कोई कम ज्यादा कुछ होता है तो वो आपस में बातचीत करके उसको सुलह करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उनके परिवार में कुछ चल रहा है तो हम जाके बोल दें। पार्टनरशिप एक रिलेशन है, बोला रिलेशन है तो रिलेशन में तो हम कुछ ना कुछ बोल ही सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि मेरे घर में भतीजा मेरा बदमाशी करता है तो क्या करें, थोड़ा इस तरह ना बहुत बदमाशी करता है तो हम क्या कर लें, उसको जा करके कोई मेरा पार्टनर जो बिजनेस में बिजनेस पार्टनर है जाके कुछ बोले, नहीं बोल पाएंगे। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, रिलेशन का मतलब है कि व्यवसायिक संबंध है, ठीक है, बिटवीन पर्संस। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि कितने लोगों के बीच में ये रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है टू और मोर पर्सन, वहां पे भी हम पढ़ेंगे, पहले आपको समझा देते हैं फिर वहां पे पढ़ भी देंगे। तो दो या दो से ज्यादा लोग में पार्टनरशिप अकेले कभी नहीं होता, ठीक है ना। आपको पार्टनरशिप करने के लिए कितने लोग चाहिए होंगे, तो मिनिमम कितने लोग चाहिए होंगे, दो लोग, और मैक्सिमम कितना हो सकते हैं, तो ध्यान रखना कि मैक्सिमम के लिए पार्टनरशिप एक्ट कोई नियम नहीं लगाता कि मैक्सिमम आप जितने चाहो कर लो, ठीक है, मैक्सिमम आप जितने चाहो करो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। लेकिन एक दूसरा एक्ट है कंपनी एक्ट, है ना। कंपनी एक्ट कहता है भैया 50 लोग हो गए हैं आप लोग तो अब एक कंपनी बना लो, पार्टनरशिप मत करो। बिल्कुल इसको एक उदाहरण से समझो कि रणवीर के पिताजी अभी एक इनके लिए अपने लिए क्या करें, बुलेट खरीदें, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि ये तो मेरा बेटा है, चला जितना तेज चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये पार्टनरशिप एक्ट है, और उन्होंने कहा जहां ले जाना है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतने जोश में आगे बोले, पिताजी बोल दिया तो हम ले ही चलते हैं। इन्होंने लेके गए चिड़िया मोड़ में, पुलिस रोक लिया, आ जाओ। दूसरा एक्ट कंपनी एक्ट, इनको रोक लिया, भाई यहां से आगे आप बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस के जाके नहीं जा सकते। तो बिल्कुल ऐसे ही है, याद रखना कि मैक्सिमम नंबर अगर आपसे पूछता है और कुछ नहीं बोलता है तो आप कह दो कि 50 है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफाइड कर दे कि भाई कंपनी एक्ट क्या कहता है और पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, तो कहना कि भाई पार्टनरशिप एक्ट तो कहता है कि कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कंपनी एक्ट जो है उसका एक सेक्शन है 464, ठीक है ना। तो उसमें लिखा है, कोई चीज आपको लिखना नहीं, हम जितना कह रहे हैं सुनो, ये सारा वीडियो नोट आपको मिलेगा, तो कोई चीज घबराने वाली बात नहीं, इसको अनलिमिटेड टाइम्स देखिए, और जितने दोस्तों को जो नहीं आ रहे हैं या जो नहीं आ सकते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उन तक पहुंचा दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरों का कल्याण सोच के काम करोगे तो तुम्हारा कल्याण अपने आप होता रहेगा। तो 464 क्या कहता है कि अगर आप 50 हो गए हैं तो आप उसको कंपनी बना लीजिए, तो कंपनी एक्ट भी आपको वहां से मिल जाएगा, कहां से,
प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, लेकिन इतना डिटेल में आपको जाना नहीं है, खाली छोटी छोटी बात समझ कर, क्योंकि कंपनी एक्ट आगे आप पढ़ेंगे, लॉ एक सब्जेक्ट आएगा, पिछले दिन भी बताए थे, तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बोला कि दो या उससे ज्यादा पर्सन हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखो इसके एक्सप्लेनेशन में लिख रहे हैं, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप बनाने के लिए कम से कम दो लोग तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, बिल्कुल वही बात कही कि पार्टनरशिप एक्ट कोई मैक्सिमम नंबर के लिए स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, विशेष रूप से नहीं कर रहा है कि इतने लोग होने चाहिए। आगे कह रहा है, बट सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट तुमको देख करके लग रहा होगा कि सर अभी अभी कंपनी का एक्ट बना, इसके पहले क्या कंपनी नहीं था, तो धीरूभाई अंबानी रिलायंस कंपनी कैसे बना लिए, 100-100 साल पुरानी कंपनियां पड़ी हैं, वो लोग कंपनी आए, पहले कंपनी एक्ट था, कौन सा एक्ट था बताओ, मालूम है? वाह सब पढ़ के आए, बहुत अच्छी बात है, ऐसे पढ़ के आना चाहिए। 1956 में कंपनी एक्ट था, सोचो आजादी के कुछ दिन बाद ही बना होगा, और उसके बाद वो कंपनी एक्ट अमेंडमेंट हुआ 2013 में, क्योंकि बहुत उसमें कमियां थी और पुरानी चीजें रहती हैं तो कमियां होते रहते हैं। हेनरी फोर्ड नाम का एक व्यक्ति हुआ, जानते हैं आप लोग, नाम सुने, हेनरी फोर्ड नाम का एक व्यक्ति हुआ, और वो जो फोर्ड आप कार देखते ना उसका फाउंडर था, तो वो ये भाई बनाया, बोला कि अगले 20 साल तक इसका इससे अच्छा कार नहीं आ सकता, और आप विश्वास नहीं करेंगे 3 साल के अंदर में उस कार के अंदर में बहुत उससे एडवांस कार बन के निकल गया। तो जब कंपनी एक्ट बनी थी 56 में, तो उनको लगा था इसमें कोई लूपहोल्स नहीं है, कोई कमियां नहीं है, लेकिन इतने साल तक चल लिया। अब धीरे धीरे सरकार को पता चला कि भाई कंपनी एक्ट में दिक्कतें हैं, तो उन्होंने कंपनी एक्ट को फिर से बनाया 2013 में, फिर जीएसटी लाए, ये वो सब तो जाने थे, और धीरे धीरे, और अभी तो और कठिन हो गया। अब जब सीए के इंटर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना कठिन काम कर दिया है मोदी जी ने, तो एकदम पीछे ही लगे हैं कि कोई एक रुपया इधर उधर नहीं कर सकता, तो ऐसा उनका ताकत है कि भाई प्रधानमंत्री है तो ताकत है ही, और इतना टाइट कर दे रहे हैं कि आप उसमें कोई कमी नहीं है, कोई उसमें चोरी बेईमानी कर ही नहीं पा रहा। खैर जो भी है, तो कहता है रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ पर्सन 250, मतलब 50 तक उन्होंने कहा कि भाई लिमिट लगा दी कि अब 50 से ऊपर हो गए तो आप कम से कम प्राइवेट लिमिटेड बना लो, और अगर आपके बनते हैं तो आप लिमिटेड भी बना लो, ठीक है। अगला दूसरा जो टॉपिक है, इधर ध्यान दो, देखना इधर तरफ, तो दूसरा ये रिलेशन हो गया, समझ में आ गया, ये पर्सन समझ में आ गया। आगे कह रहे हैं अग्री मतलब एग्रीमेंट, ठीक है। जब तक कुछ लोग इस चीज को तय नहीं करेंगे कि एग्रीमेंट नहीं करेंगे, तब तक पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करता। तो पार्टनरशिप कम्स इन एग्जिस्टेंस, वो पैदा ही होता है, एग्जिस्टेंस में आता ही है ड्यू टू अग्रीमेंट। अगर अग्रीमेंट नहीं है तो वो ये अग्रीमेंट नहीं है तो वो कभी भी पार्टनरशिप नहीं माना जाता, समझ में आया बात। तो पार्टनरशिप बिना एग्रीमेंट के हो ही नहीं सकता। तो क्या इस एग्रीमेंट को हम लोग एक नाम दे दें, इस एग्रीमेंट को पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, ठीक है। 11 में पढ़े हो आप लोग पार्टनरशिप को, पार्टनरशिप ये इस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं, या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, कि पार्टनरशिप में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, ये पूरा विवरण, पूरा का पूरा ब्यौरा है, काला चिट्ठा लिखा रहेगा, कभी कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो इस एग्रीमेंट को खोल के हम लोग देख लेंगे। इस एग्रीमेंट को बनाने का मूल उद्देश्य हमारा होता है, इस अग्रीमेंट को बनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कैसे बटेगी, इस बात को बताओ। तीन पार्टनर है, अब तीनों पार्टनर में प्रॉफिट हो गया तो कैसे, 33 and 1/3 लोगे, 60-40 ऐसे लोगे, या जैसे भी आप बांटेंगे, इस बात को ध्यान में, इसका मेन एम होता है, अग्रीमेंट बनाने का मेन एम होता है कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, उसके बाद और भी बातें होंगी, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य होता है कि प्रॉफिट कैसे बटेगा, ठीक है। अब इसमें एक बात समझो, एक होता है HUF, जानते हैं आप लोग, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक पिताजी हैं, ठीक है ना। अब मान लो कि एक पिताजी हैं, जैसे कि मान लो कोई एग्जांपल, इनको पहचानते ही हमारे आसपास के ही हैं इसलिए पहचानते हैं, इनके दादाजी, तो इनके दादाजी ने खूब पैसे कमाए या जो भी किया, खूब प्रॉपर्टी वॉपर्टी जो भी बनाना था, उनकी डेथ हो गई। तो डेथ के बाद में इनके इन लोग चाचा ताऊ पापा इनके मिलके 3-4 लोग जो भी हैं, जैसे भी किसी की फैमिली का ले लो, तो उसमें मान लो किसी की फैमिली का ले लो, कुछ एक लड़का है जिसका अनसाउंड माइंड है, दिमाग से ठीक नहीं है, दादाजी का डेथ हो गया, पिताजी मान लो एक बड़े पिताजी का डेथ हो गया, अब एक अनसाउंड माइंड का है, तो क्या उसको उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, क्योंकि ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ चलता है, मतलब वो कानूनन, उस चाहे वो कितना पागल है
लेकिन उसको कानूनन पिताजी के प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा मिलेगा, जब बंटवारा होगा तो उसको भी मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई बेटा साइंटिस्ट है उसको ज्यादा मिल जाए, कोई बेटा फकीर गरीब है थोड़ा बुद्धि से ठीक नहीं है तो उसको कुछ ना दे, बोले भाग यहाँ से, हाँ बोले तू क्या करेगा, तो ऐसे ही भीख मांग के खाता भाग नहीं, उसको भी हक मिलेगा। तो इसीलिए देखेंगे आप, एक चीज आपको प्रैक्टिकली थोड़ा थोड़ा बताएं, जिस परिवार में ऐसा होता है कि किसी का बेटा जो है वो थोड़ा सा कमजोर है, इस तरह से पागल वागल है, तो जो बुद्धिमान रहता है उसको बड़ी प्यार रहेगा उससे। क्यों प्यार रहेगा मालूम है, कि इसका वाला हिस्सा भी हमें मिल जाएगा बोलेगा इसका हिस्सा भी मिल जाएगा, उसको थोड़ा बहुत चाहिए, भीख मांगने के लिए क्या चाहिए, चांदी कटोरा दे देंगे, उसमें क्या है, ऐसा ही कुछ कर लेंगे, उसका सारा प्रॉपर्टी तो हमको मिल जाएगा, वो भी खुश रहेगा, हाँ भाई अरे कपड़ा वपड़ा अच्छा दिला देंगे, पहन के घूमेगा भाई। लेकिन असली उद्देश्य क्या होता है मालूम है, कि भाई इसका प्रॉपर्टी भी हमको मिल जाएगा। तो यहाँ क्या बोलते हैं, HUF जो है आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो उसमें हमारी जो भागीदारी बनती है बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप में कभी भी ऑपरेशन ऑफ लॉ से नहीं चलता, कैसे चलता है, अग्रीमेंट से। मान लेते हैं कि मौसम अपना एक धंधा शुरू की, और मौसम धंधा शुरू की और क्या नाम है सिद्धिका के साथ पार्टनरशिप कर ली, सिद्धिका और मौसम का पार्टनरशिप चल रहा है अच्छे से, इन लोगों का बढ़िया चल रहा है। अब इन लोगों का थोड़ा भाई 20 साल 25 साल हो गया, तो मुस्कान का धंधा ठीक नहीं चलता, वो डॉक्टर है भाई, अपना गला में पट्टा वट्टा डाल के ढक ढक चुनती रहती है, लेकिन काम नहीं चल रहा है। इन लोगों का भाई धंधे वाले हैं ये लोग, तो भाई अपना कुछ साल में अच्छा कर लिए, तो मौसम से बोलती है मुस्कान की, सुनो मेरा भी, तुम तुम्हारी बहन है इसमें मेरा भी हक है। मौसम बोली तुम पढ़ के आए, ऑपरेशन ऑफ लॉ से नहीं चलेगा, अग्रीमेंट की हो तो मेरी पार्टनर हो, कोई पूंजी लगाई हो, हम जितना झेले हैं रास्ता रास्ता घूम घूम के, हम अपना पूरा प्रचार किए, मार्केटिंग किए, तब आज बिजनेस इतना बड़ा खड़ा हुआ है, तुम मेरे साथ कुछ की हो। तो यही बात हम समझाना चाह रहे हैं कि अग्रीमेंट से क्या होता है, अग्रीमेंट इसमें किसका हक आएगा, जिसके बीच में अग्रीमेंट रहेगा। एकदम क्लोज फ्रेंड अपना बेटा ही क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ में अगर अग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर नहीं बन जाएगा, पता समझ में आया ना। तो इसलिए ये ध्यान रखना, तो यहाँ पे वही बात कहेंगे। तो अग्रीमेंट में क्या है, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट का रिजल्ट है, यानी परिणाम है, जब अग्रीमेंट होता है तो उसका परिणाम है। इट मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय अग्रीमेंट एंड नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, बात समझ में आ गई। ऑन कॉन्ट्रेरी अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ नॉट बाय एन अग्रीमेंट। हमारा जो HUF चलता है वो ऑपरेशन ऑफ लॉ से चलता है, वो अग्रीमेंट से नहीं चलता, समझ में आया ना बात। सच एन अग्रीमेंट कैन बी इधर ओरल, ये अग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है, आप बातचीत करके, जैसे मेरा और दिशा का बातचीत होता रहता है कभी कभी, सर आप अच्छे नहीं कर रहे हैं हम लोग के साथ, हम बोले नहीं वैसे ही करते हैं, तुमको आना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए, तो बोले ठीक है, हम बोले निक्की बुआ को भी लेकर, बोले हाँ ठीक है। तो हमारा इन लोगों के साथ रहता 12 के पढ़ने वढ़ने के बाद में इन लोगों ने तय किया कि सर हम लोग भी पढ़ लिए, आप भी पढ़े लिखे, तो चलिए हम लोग एक पार्टनरशिप करते हैं, तो हमने कर लिया, कोई अग्रीमेंट बनाया नहीं, ओरली कर लिया कि चलो 50% में तुम दोनों ले लेना और 50% हम अकेले ले लेंगे, हम तीनों का पार्टनरशिप बन गया। 20 साल चल गया, 25 साल चल गया पार्टनरशिप, कोई दिक्कत नहीं आई। तो अग्रीमेंट बनाना या ना बनाना कोई कंपलसरी नहीं है, ये ध्यान रखना और ये थ्योरी अच्छे से समझना, क्योंकि इसी सब बेस पे आपका MCQs आएगा, तो ये अच्छे से समझे रहोगे तो वहां फटाफट टिक लगा लोगे, और नहीं समझे रहोगे कंफ्यूज हो जाएगा, लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, क्या बोले थे सर, ऐसा नहीं। प्रैक्टिकली सोचो कि अगर हमको पार्टनरशिप करना है तो हमारे लिए कोई बाधा नहीं है, एक्ट कोई बाधा नहीं लगाता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि आपको डीड बनाना ही पड़ेगा, वो अब डीड नहीं बनाना है, मेरी इच्छा है, हम बनाए या ना बनाए हम बनाएंगे। तो बनाते समय भी बोल रहे हैं कि आपके अंदर ये बात होती है कि आप या तो उसको ओरल बनाओ या रिटेन बनाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है, तो आप बताइए ओरल बनाना अच्छा रहेगा या रिटेन बनाना अच्छा रहेगा, तुम बोलो भाई रिटेन, कह रहे कि रिटेन बनाना अच्छा रहेगा। रिटर्न बनाना क्यों अच्छा है, क्यों फट से बोल दिया रिटर्न बनाना अच्छा है, ओरल में क्या दिक्कत है, तुमको हमारे पर विश्वास नहीं है क्या, हम धोखा दे देंगे, क्यों रिटर्न है भाई। जो पार्टनरशिप कर रहे हैं वो तो बहुत करीबी लोग होंगे, एक दूसरे को जानते भी होंगे, तो क्यों रिटर्न बनाना अच्छा है, तरुण बताओ, उसके साथ अग्री हो कि नहीं पहले ये बताओ। प्रूफ के लिए, तो भाई ठीक है वीडियो, अब तो सिस्टम लगा देंगे कि वीडियो रिकॉर्ड करके डीड बना लेंगे, और वीडियो को एकदम ड्राइव में अच्छा सेव करके रखेंगे, कभी भविष्य में आएगा निकाल के दिखा, देखो यही तुम बोले थे। बिल्कुल यही बात है, हम फंस जाएंगे अगर हमने डीड और वहां पे जब बना था एक्ट, तब इन लोगों को पता नहीं था कि भविष्य में वीडियो सिस्टम भी आ जाएगा, नहीं तो वहां पर ये भी लिख देता
और अच्छा बात है कि अब अगर ये डीड कभी भी एक्ट अगर अमेंडमेंट होगा तो उनमें ये बात ये हटा देंगे कि भाई ओरल कोई वैल्यू ही नहीं है। हमने ओरली किसी से कहा, पहले के जमाने के लोगों का क्या होता था कि बात पे विश्वास रहता था, अब तो लोग बदल जाते हैं। हम कब कहे थे, सीधा ही बोले, हम कब बोले, हम तो ऐसा बोले ही नहीं थे, जबरदस्ती कर रहे हैं और इसमें मौसम बहुत तेज है, तुरंत हम कहां बोले। तो ऐसे इसलिए क्या कहा जाता है कि डीड बनाना है तो रिटेन, तो अच्छा हमारे पास है कि डीड अगर ओरली किया तो क्या दिक्कत आएगी। वो चार आदमी को खड़ा कर दे, सर इन्हीं लोग के साथ डीड बनाता, देखिए लोग रिक्शा वाले लोग को 5-5 रुपया पकड़ा के एक एक बोतल पकड़ा दे, यही देखिए हम बोले तो 80% लेंगे, वो लोग भी हाँ सर यही बात है, हम वकील के सामने बेवकूफ बन जाएंगे। इसलिए रिटेन अग्रीमेंट होना चाहिए। तो रिटेन जो हमारा डीड बनता है, वो देखो इतना बड़ा बोतल घर इतना बड़ा बोतल सब अपने अपना व्यवस्था में है सुन इतना बड़ा बोतल क्या बोल रही है, बोल रहे 4 दिन को इतना बड़ा बोतल देगी। हाँ तो बस खत्म 2-4 हजार में का। तो डीड कैसे बनेगा, अब क्वेश्चन बना कि डीड बनेगा कैसे, तो डीड बनता है वकील साहब लोग बनाएंगे, तो वकील साहब के साथ हम जाएंगे, उनसे सारी बातें बताएंगे कि भाई देखो ऐसा ऐसा डीड बनाइए, हम लोग इतना प्रॉफिट लेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारी बातें वो अंग्रेजी में लिख देंगे। और अगर आप जानकार हैं तो आपसे वाजिब फीस लेंगे, नहीं पढ़े लिखे अनपढ़ हैं तो आपसे बोलेंगे भाई 5,000 रुपये लगेगा डीड बनाने का, लगता कितना है 400-500 रुपये मैक्सिमम लगता है आपको। शायद ICSE वालों को डीड का प्रोजेक्ट बनाने के लिए स्कूल में दिया जाएगा, तो आप देखेंगे नोटरी पेपर, जैसे प्रॉपर्टी का पेपर नहीं होता वैसा प्रॉपर्टी का पेपर भी डीड बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, नोटरी करवानी पड़ती है, सब कुछ हो तो देखिए उनके घर में होता है तो देखिए, उनके पिताजी लोग अकाउंटेंट है, चाचू लोग, तो वो लोग देखे होंगे, हाँ तो ये लोग देखते हैं तो देखिए, मांग लेना कभी तुम भी लोग। चलिए आई अग्रीमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो कहता है द अग्रीमेंट फॉर्म द बेसिक म्यूचुअल राइट्स। इस अग्रीमेंट में क्या होता है, म्यूचुअल राइट्स, म्यूचुअल मतलब आपसी समझौते में बात कर लेते हैं, राइट्स मतलब हक, किस किस पार्टनर का क्या क्या हक होगा, क्या क्या मेरे हक में बातें होंगी, एंड ड्यूटीज और दायित्व, उनके क्या क्या ड्यूटीज होंगे कि भाई ये आपका हक है, आपको ये करना है, परचेस डिपार्टमेंट तुम संभाल लेना, सेल तुम संभाल लेना, कमीशन तुम संभाल लेना, मौसम को झाड़ू लगाने के लिए दे देना, कुछ ऐसा है व्यवस्था कर दिया जाएगा। सिद्धिका आश्री आज क्या बात है, आप मौसम के पीछे पड़े, मौसम बुरा नहीं मानते, तुमसे बोल दे तुम रोने लग जाओगे अभी, इसलिए बोलते हैं। चलो आगे कह रहे हैं देयर मस्ट बी, इधर घुमाना जरा, शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स, किस बात को लेकर के अग्रीमेंट बन रहा है, प्रॉफिट को लेकर। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कभी कभी कि क्या सर खाली प्रॉफिट क्यों लिखा, लॉस होगा तो कौन बियर करेगा, शेयर ऑफ द प्रॉफिट हमने लिखा, थोड़ा घुमाना इस तरफ हम छुप जाते हैं। हाँ शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स का मतलब क्या है, क्या यहाँ पे कुछ पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जो लॉस को नहीं लेना चाहते, तो हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। हम लोगों का पार्टनरशिप अच्छा चल रहा था हमारा, सिद्धिका का और मौसम का, रौनक बोला कि सर हम भी पार्टनर बनेंगे, तो हम बोले ठीक है कैपिटल ले आइए 20 लाख रुपए कम से कम ले आइए हमारे धंधे में, आ जाइए जुड़ जाइए। बोला सर लेकिन मेरा एक कंडीशन है, हम लाभ लाभ लेंगे, लाभ में हमको 10% दीजिए 15% दीजिए, हम लाभ लाभ लेंगे, हम आने वाला धंधा आज तक के लिए मारवाड़ी आदमी हम। तो हम बोले ठीक है भाई, तू टीवी पोको देखता है अभी भाई, पोको मैन क्या देखता है, पोकेमोन नहीं देखता, अच्छा एक तो देखता है वो हर्ष जो आता था, अभी बोला कि अभी अगले महीने से आएंगे, बोले ठीक है आओ अगले महीने से आओ वीडियो क्लास देखो तब तक। तो ये बोला कि सर हमको 15% भी आप प्रॉफिट देने के लिए तैयार हैं तो हम रेडी हैं, और लेकिन हम लॉस में बियर नहीं कर रहे। तो अगर हम लोगों को पैसे की जरूरत है और हमको ऐसा लग रहा है कि 15% दे करके भी 20 लाख रुपए मिल रहा है तो हम लगा लेंगे। तो कुछ पार्टनर ऐसे, कुछ एक या कुछ एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी पार्टनर हो सकते हैं, जो इस शर्त पर जुड़ सकते हैं कि हम प्रॉफिट्स तो लेंगे लेकिन लॉस में हम कोई भी हिस्सा नहीं लेंगे। इसलिए लिखा है शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स, लॉस नहीं लिखा है, शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स लिखा है, ठीक है ना। आगे कह रहा है ऑफ द बिजनेस, अगर प्रॉफिट है तो एक बिजनेस आपका होना चाहिए, या तो आप कोई गुड्स बेच रहे होंगे या तो कोई सर्विस बेच रहे होंगे। अब जैसे इनके पिताजी लोग जो है वो एसोसिएट्स है, कोई चार्टर्ड का फर्म है, तो वो लोग क्या करते हैं, सेवा देते हैं, वकील इनकी भाभी है, भाभी है हाँ, तो वो वकील है तो वो भी सेवा देती है, तो उनका क्या है, ये बिजनेस है। तो जब ये शेयर ऑफ द प्रॉफिट कर रहे हैं तो ये बिजनेस है, और बिजनेस मस्ट बी लीगल, ऐसा धंधा होना चाहिए जो लीगल होना चाहिए। आदित्य की तरह नहीं कि सर हम तो सर बड़ा हो कि हम क्या बोलते रहे, वीड्स गांजा क्या बेचेगा, एक दिन हम बोले सर क्या बेचेगा, बोला सर ऐसा बात तो बात है हम उस बहुत भयंकर प्रॉफिट है उसमें, बस थोड़ा बहुत पैसा है लेकिन उसमें एक खतरा है, पुलिस कभी कभी हथकड़ी लगा देता है,
तो धंधा करना है, बिजनेस होना चाहिए, याद रखना। क्या है, क्या हो गया, कुछ तो बोला चुपके, कुछ नहीं भाई, ऐसे एकदम सीरियस होके पढ़ाई नहीं करना, मस्ती मजाक करना, ये सब चीजें याद रहेंगी आपको। अगर इस तरह से हंसी मजाक रहेगा ना तो ये आपको याद रहेगा, इसलिए नहीं तो हमको कोई शौक थोड़ी पड़ा, हम कॉमेडी सर्कस में थोड़ी ना खड़े। इसलिए बोलते हैं कि ये टॉपिक्स के हिसाब से तुमको याद रह जाएगा। तो कहता है कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या है? लॉफुल बिजनेस का मतलब है कि जिस बिजनेस को करने के लिए सरकार आपको अधिकार देता हो, लाइसेंस देता हो। अब बोला ठीक है सर, गांजा बेचना अगर बुरी बात है तो एक दिन इनको हम ले गए, इसके बगल वाला संस्कार को, तो ले गए तो देखने से भोला वाला लगता, अंदर से बहुत दिमाग में कूड़ा है। ले गए धर्मतल्ला, तो वहां एक बंदूक गली है, वहां बंदूक की दुकानें हैं बहुत सारी। तो बोला सर हम बंदूक बेचेंगे, आतंकवादियों को बेचेंगे, रामप्रसाद बिस्मिल को बेचेंगे, भगत सिंह को बेचेंगे, इन लोगों को बंदूक बेचेंगे। अब बेचना शुरू किया, क्या ये लॉफुल है? बोलो, लॉफुल है, लॉफुल है, उनके लिए है जो लाइसेंस लेके बेचेंगे। बिना लाइसेंस ही बंदूक बेचे कालीन भैया अख्तर अंदर कर देगा। करते हैं प्रबंध आपका, ठीक है। तो जो भी धंधा है, आप सोचो जो अफीम है, जो गांजा है, जो बंदूक है, इन सब चीज का धंधा करना क्या है? खराब नहीं है, लेकिन आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर जो अफीम है, जो क्या बोलते हैं आप लोग, वही अफीम ही होता है ना, वाइट पाउडर, तो वो कोकेन, देखो साहब तेज लोग हैं, कह रहे कोकेन, तो उसको दवाई वाई भी बनती है, तो लोग उसको केमिकल की तरह भी यूज करते हैं, नशा करने वाले अलग है। तो जो केमिकल, अब उसका पौधा नहीं उगा सकते, पता है ना घर में इलीगल है, लेकिन अगर उसको सही तरीके से लाइसेंस लेकर के सरकार को बता के बताएं कि हाँ हम इस चीज का खेती करना, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस में बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। प्रॉफिट सब बियर कर सकते हैं, या कुछ लोग मना भी कर सकते हैं कि हम प्रॉफिट लेंगे लॉस नहीं लेंगे, ठीक है ना। कैरिड ऑन बाय ऑल, इस बिजनेस में हम सब पार्टनर मिलके काम करेंगे, और कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई किसी पार्टनर को हम कह दें कि तुम नहीं कर सकते, तुम आराम करो, हम लोग चला रहे हैं ना बिजनेस। नहीं, ये आपका अधिकार है, आप बिजनेस को चलाएंगे तो आपका अधिकार है कि आप बिजनेस को सब लोग मिलके चलाएंगे। और मान लो कि ऐसी स्थिति आ गई कि सब लोग उसमें पढ़े लिखे नहीं है, तो एक लोग पढ़ा लिखा है या दो लोग पढ़ा लिखा है, तो कैरिड ऑन बाय ऑल, सब मिलके चला रहे, और एनी ऑफ देम या उन्हीं में से कोई एक्टिंग फॉर ऑल, वो सबके बिहाफ में अकेले काम करेगा, तो भी हम स्वीकार कर लेंगे। आई होप ये डेफिनेशन आपको पूरा पूरा समझ में आया है। मेरा प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न, कि सर हम किसको किसको पार्टनर बना सकते हैं और किसको किसको नहीं बना सकते? तो ये आप जब पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे क्वालिफिकेशन ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे कि क्या क्या पार्टनर की क्वालिफिकेशन होती है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, किसी पागल को मत बना लीजिएगा, नहीं तो पागल के साथ दोस्ती करना मतलब अपन जिंदगी खराब हो जाएगा, कहेगा 12 बजे तक दुकान खोलो, नहीं चलेगा। तो पागल के साथ, अनसाउंड माइंड के साथ में आप कभी भी नहीं करेंगे, कोई क्रिमिनल व्यक्ति के साथ में आप नहीं करेंगे, कोई माइनर के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते, मतलब 18 साल से नीचे है, तो छोटी छोटी बातें, माइनर के साथ पार्टनरशिप मत करिए। तो फिर प्रश्न बनता है, दिशा बोल रही कि सर क्या पार्टनर माइनर नहीं हो सकता? मेरे पापा एक कंपनी में हमको पार्टनर बना रहे हैं, हम बन सकते हैं कि नहीं कंपनी नहीं पार्टनरशिप फर्म में? तो बोले कि वो बना दिए हैं हमको, बिल्कुल बना सकते हैं, आप 18 साल से नीचे हैं, अभी 18 से नीचे ही हो, तो 18 से नीचे हैं, किसी में पार्टनर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन आपके पास वो अधिकार नहीं रहेगा, आप वहां माइनर रहेंगे, केवल बेनिफिशियरी यानी कि लाभ के लिए आप वहां घुसे, आपके हिस्से का जो लाभ होगा वो आपको मिल जाएगा, जब मीटिंग वीटिंग बनेगी बैठेगी तो उसमें आपको बोलने का अधिकार नहीं होगा, आपके मुंह पे फेबी क्विक चिपका दिया जाएगा, बैठो बाहर जाओ दूध बात खाओ चुंगम चुबाओ, तुम बोल नहीं सकते, ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में हमने पूरा पढ़ा है, एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं। एग्जिस्टेंस बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, कम से कम एक बिजनेस होना चाहिए और उसका उद्देश्य प्रॉफिट मोटिव भी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट पढ़ रहे मिला, पढ़ रहे सुनो। पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ द कैरिंग ऑफ सम बिजनेस विथ इंटेंशन टू अर्निंग प्रॉफिट एंड सच बिजनेस मस्ट बी लीगल। लिख दिया वही बात, लीगल होना चाहिए, एक बिजनेस होना चाहिए और वो कम से कम एक लीगल होना चाहिए। अ ज्वाइंट ओनरशिप सम प्रॉपर्टी बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। कहता है कि एक हमने दोनों लोग मिलकर के घर खरीदे, हम और मोहित मिलकर एक बिल्डिंग खरीद लिया, तो ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ बिजनेस नहीं है, ये पार्टनरशिप नहीं है, हमारा प्रॉपर्टी का ज्वाइंट ओनरशिप है, हमने मिलकर साथ में एक प्रॉपर्टी खरीदी है जिसमें हम ओनर हैं, लेकिन हम उसके क्या है, हमारा ये पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है।
बिजनेस में एक बिजनेस का मतलब क्या होता है, खरीद बेच होना चाहिए। अच्छा मान लो कि हम क्या नाम तेरा रणवीर है कि रणविजय, क्या नाम रणवीर, तो हम लोग चार लोग मिलकर के एक चैरिटी काम करते हैं, गरीबों में पढ़ने लिखने की व्यवस्था करते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, तो चैरिटी वर्क मिलकर के चारों लोग मिलकर कर रहे हैं, क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस है? नहीं, पार्टनरशिप बिजनेस, बिजनेस का मतलब है कुछ खरीद बेच होना चाहिए, चाहे कुछ खरीद के बेचते रहो या सेवा आदि करते रहो। सेवा मतलब सर्विस देते रहिए, सेवा का मतलब वो नहीं कि हम सर बूढ़ी औरत को रास्ता पार कराते हैं चार लोग मिलके, पार्टनरशिप हो गया, नहीं ये थोड़ी ना पार्टनरशिप है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी अगर कोई खरीदते बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप, इसको पार्टनरशिप नहीं कह सकते। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी एम्ड एट शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। हम जब डीड बनाते हैं तो इस बात का ही उद्देश्य में रख करके बनाते हैं कि हमारा पार्टनरशिप डीड बनाए, किस बात को एम में रखे कि प्रॉफिट कैसे बटेगा। इफ सम पर्सन ज्वाइन हैंड्स टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटी इट विल नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। कुछ लोग हाथ मिला के अगर सेवा आदि का कार्य कर रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, बच्चों के कुछ भी कर रहे हैं, तो ये पार्टनरशिप नहीं है। फर्दर इफ अ पार्टनर इज डिप्रीव्ड ऑफ हिज राइट और राइट टू शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस ही कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर अपना प्रॉफिट छोड़ देता है कि भाई अब हम नहीं लेते प्रॉफिट, तो वो पार्टनर नहीं रह जाएगा। एक बात याद रखना, तीन पार्टनर चार पार्टनर हैं और अचानक से कोई एक पार्टनर मर जाए, उसका बेटा क्या इस बिजनेस का पार्टनर बन सकता है? नहीं बन सकता, बन भी सकता है लेकिन जो एग्जिस्टिंग जो बचे हुए जिंदा पार्टनर हैं उनको हाँ करना होगा। और ये जरूरी नहीं है कि भाई उसका बेटा है तो आएगा ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो लाभ का हिस्सा छोड़ते ही आप क्या हो जाते हैं, उस पार्टनर के, उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर नहीं होते। तो जो ये पूरे कंडीशन को फॉलो करके बनाते हैं उसको हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, फर्म का नाम या एंटिटी बोलते हैं, और जिन जो जो इनके हिस्सेदार होते हैं या जो भी पर्सन होते हैं उनको हम लोग पार्टनर बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है ही कैन नॉट कॉल्ड अ पार्टनर बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल पार्टनर शुड बी शेयर द लॉसेस ऑफ लॉस नहीं इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल पार्टनर शुड शेयर द लॉसेस ऑल्सो ये भी जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर लॉस को शेयर करें। इट मे बी अग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स दैट वन और मोर ऑफ देम शैल नॉट बी लायबल फॉर द लॉसेस। कहता है ये भी वो ऐसा अग्रीमेंट कर सकते हैं, एक या एक से ज्यादा पार्टनर हम लॉस के लिए लायबल नहीं है। अगला पॉइंट है रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट एक ही मतलब है कि हर पार्टनर इसमें प्रिंसिपल भी है और हर पार्टनर इसमें एजेंट भी है। जब वो प्रिंसिपल है तो बाकी लोगों को बांध देगा कि नहीं, जैसे एक प्रिंसिपल का मतलब है मूल व्यक्ति, जैसे आपका प्रिंसिपल स्कूल का, तो बाकी लोगों को बांध लेता है कि नहीं। और जब वो एजेंट हो जाता है तो बाकी कोई दूसरा प्रिंसिपल जब बोलता है तो वो बंध जाता है। जब वो प्रिंसिपल है तो दूसरों को क्या कर लेता है, बांध लेता है। जब हम कुछ बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप में अब यहाँ पे इस तरह से हम पार्टनरशिप में काम करेंगे तो बाकी लोग सुन रहे हैं, मतलब उन लोगों को हमने जो बांध रखा है, तो हम प्रिंसिपल हैं। और जब ये बोलना शुरू किया, रौनक बोलना शुरू किया, हम सुन रहे हैं तो वो बांध रहा है सबको। तो ये पार्टनरशिप रिलेशन क्या है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन, हर पार्टनर प्रिंसिपल है और हर पार्टनर एजेंट है। जब वो बोल रहा है या कुछ अपनी बात रख रहा है तो वो प्रिंसिपल है। जब वो लीड कर रहा है किसी, अब जैसे पांच साल का हमारा पार्टनरशिप है, एक साल हम लीड करेंगे, एक साल विजय सर करते हैं, एक साल अमर सर करते हैं, ये हम लोगों के बिजनेस में ऐसे चलता है कि सर इस साल आप लीड करिए, देखिए कितना अच्छा कर सकते हैं, एक साल नाजीर सर को। तो जब वो लीड कर रहे हैं तो बाकी क्या है, एजेंट है, वो प्रिंसिपल है। और जब हम लीड कर रहे हैं तो हम प्रिंसिपल है, वो एजेंट है। यानी हर पार्टनर क्या है, प्रिंसिपल है और एजेंट है। जब वो प्रिंसिपल है तो बाकी को बांध लेता है, एजेंट हो जाता है, बाकी एजेंटों को बांध लेता है। जब वो एजेंट है तो बंध जाता है, है ना। तो यहाँ पे यही बात लिखी है, ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पर्सन, वो बाकी लोगों को जो बांध लेता है, और प्रिंसिपल बिकॉज हिमसेल्फ कैन बी बाउंडेड बाई द अदर एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर, बाकी पार्टनरों से जुड़ जाएगा। अगला पॉइंट लिखा है, बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसमें कुछ समझाने की बात है नहीं। तो ये पहला दूसरा पॉइंट हमारा खत्म हुआ। इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, माइक ऑन है आपका, कुछ पूछने का मन है विचारिए, सोचिए, पूछिए, एक मिनट के लिए इसको पॉज कर दो। सर छठवां नंबर पॉइंट आप पढ़ के बताइए, तो देखो क्या कह रहा है। इट मींस दैट ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस को चलाने में हर पार्टनर उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रतिभागी बन सकता है, ये तो बताया है। और आगे लिख रहे हैं, एंड ईच पार्टनर इज बाउंड बाय द एक्ट टू अदर पार्टनर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ईच पार्टनर इज बाउंड बाय द एक्ट,
एक्ट मतलब जो कानून है, वो तो सारे बांध लिया कानून, पार्टनर बन गए। एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, बिजनेस के रेस्पेक्ट में वो सबको बांध लिया है। मतलब कहने का मतलब है कि सारे पार्टनर ही हैं, कोई अलग से अलग व्यक्ति नहीं है। तो एक्ट उनको सबको क्या रहता है, एक में जोड़ दे रहा है, बांध दे रहा है, इसलिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग यही था कि सब लोग मिलके चलाएं या अकेला कोई व्यक्ति चलाए, चला सकते हैं। और बोलो, और कुछ पूछना है सिद्धि का? कुछ पूछना है नहीं, हो गया, आगे का टॉपिक चलें? बोलिए चलें। ठीक है, घर में एक बार फिर पढ़ना, फिर पूछना, और फिर पूछना। अगला टॉपिक हमारा है व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ पार्टनर। अब अपने पार्टनरशिप डीड बना लिया और हमारा पार्टनरशिप बन के रेडी है, तो एक पार्टनर आदित्य है। देखो आदित्य आया नहीं, वो हर पिछले साल भी यही किया और इस साल भी यही कर रहा है। अब अगली बार आएगा तो मैं कहेंगे तू 6 महीने पहले फीस जमा कर, उसके बाद तू मत आ, लेकिन है ठीक है। लास्ट ईयर का इनका फीस क्लियर नहीं, वो क्लियर करवाओ। अच्छा चलो ठीक है, भी आ गया सब इसी में, चलो कोई बात नहीं। राइट्स ऑफ अ पार्टनर, जब हम पार्टनर बन गए तो हमारा क्या क्या हक आ जाता है, ठीक है ना। तो एक एक लोग आइडिया देना शुरू किया, बोलता है सर बीच बीच में बोल दीजिएगा कि मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब करिए। बोले नहीं, मतलब बीच बीच में आप प्रचार में बोलते रहे कि जिनको ऑफलाइन पढ़ना है वो यहाँ आइए, और अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए, वो सब कुछ नहीं, देखिए शांति से और अपने से लिखिए, कुछ नहीं करना है। तो आदित्य पूछा कि सर एक पार्टनर बनने से मेरा क्या क्या राइट्स आ जाएगा, मतलब मेरे हक में क्या क्या आ जाएगा, ठीक है ना। पार्टनर बन गए तो जैसे आप बताए कि HUF में तो राइट्स आ जाता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो यहाँ जब एक्ट हमने साइन कर लिया, डीड बना ली, तो हमारे हक में भी कुछ बातें होंगी या नहीं होंगी, ये सारा डी और डीप स्टडी हम लोग करेंगे लॉ में, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ बातें पढ़नी है, ध्यान से सुनो। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस विथ अदर पार्टनर्स इन अग्रीड रेशियो। हर पार्टनर का राइट है कि वो प्रॉफिट लॉस को शेयर करेगा, ठीक है। आगे, एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को चलाने में ऐसा नहीं कर सकते, उसकी राइट है कि वो पार्टिसिपेट करेगा, और यही इस पार्टनरशिप का सबसे गंदा चीज है। पार्टनरशिप में एक बुरी बात यह है कि जैसे 3-4 लोग मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, माल कहाँ कहाँ से खरीदा जा रहा है पता चल जाता है, क्योंकि बिजनेस कैसे, अब जैसे आदित्य के पिताजी से हम पूछें कि आप कहाँ से माल खरीदते हैं हमको बता दीजिए, तो बताएंगे नहीं बताएंगे, कह रहे हाँ बता देंगे, नहीं बताएंगे। हम उनको बहुत कोशिश की, हम सोचे लाओ मिठाई विठाई खिला दें, ये कर दें वो कर दें, बट ना हम नहीं बताए। हाँ बस जाते हैं, कभी साउथ चले जाते हैं, कभी दिल्ली चले जाते हैं, हाँ, लेकिन हमको बताया नहीं आज तक कि खरीदते किससे, किस रेट में खरीदते, ये क्या बता देंगे, नहीं बताएंगे, क्योंकि वही तो उनका बिजनेस है। तो सीक्रेसी होनी चाहिए बिजनेस में, लेकिन पार्टनरशिप में सबसे खराब चीज होता है, क्योंकि हर पार्टनर को हर बात पता होती है, कहाँ से खरीदा जा रहा है, किस रेट में खरीदा जा रहा है, कितने में बिक रहा है, किसको बेचा जा रहा है। तो इस जब पार्टनरशिप टूटता है तो क्या करते हैं वो लोग, अपना धंधा शुरू करें उसी पार्टी को देना शुरू कर देते हैं, और फिर क्या होता है, पार्टनरशिप खराब होता है। तो ये एक तो थोड़ा हमारा लिमिटेशन है, कमियां है, खैर जो भी है अच्छी बात है, अच्छी बात भी है। पार्टनरशिप में लोग 2-3 पार्टनर मिल जाते हैं तो पूंजी बहुत बड़ी हो जाती है ना, कैपिटल बड़ा हो जाता है, हैंड्स बढ़ जाते हैं। हम आज तक जीवन में क्यों नहीं कुछ कर पाए कि मेरे साथ कोई है ही नहीं, हम अकेले हैं, हम सोचते हैं भाई एक तो मोबाइल का दुकान खोल लें, कोई बैठे कौन, कोई है ही नहीं, तो हैंड्स बढ़ जाता है आपके साथ काम करने के लिए, कुछ ना, है ना। तो एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को कंडक्ट करने में आप उसको मना नहीं कर सकते कि नहीं तुम कौन होते हो, ऐसा नहीं बोल सकते। तो एवरी पार्टनर इज राइट टू कंसल्ट इन द मैटर ऑफ रिलेटेड पार्टनरशिप बिजनेस। ये बात बता रहा है कि जब बिजनेस में कोई मैटर फंस जाए, कोई झगड़ा लड़ाई हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, तो आप पार्टनर हैं तो आप भी मीटिंग में बैठेंगे, क्या बातें हो रही हैं, अपना व्यू, अपना विचार, अपना सब कुछ रखेंगे वहां पे। ये आपकी राइट है, कोई मना नहीं कर सकता, अरे तुम कौन होते हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये आपकी राइट है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या कहता है, हर पार्टनर को हक है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखे, और उसका एक कॉपी अपने घर भी ले जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास भी रख सकता है। तो ऐसा नहीं कि हम किसी से छुपा के परचेज डिपार्टमेंट मोहित को दे रखा है, तो एक पार्टनर है परचेज डिपार्टमेंट में बोला हम नहीं दिखाएंगे किससे माल खरीद रहे, ऐसा नहीं होगा, वो दिखा हम देख भी सकते हैं, और परचेज की सारी बिल कॉपी जो है वो हम ले भी सकते हैं। तो बहुत लोग पार्टनर लोग ऐसे टूट भी जाता है पार्टनरशिप कि वो बोलते हैं हम नहीं बताना चाहते, हम नहीं दिखाएंगे, तो बस झगड़ा होता है, खत्म हो जाता है बात, तो दिखा सकते हैं, ये राइट है। तो वहां पे जो पार्टनर जिद करेगा वो बोलेगा कि भाई ये मेरा राइट है, हम पार्टनर है, डीड में लिखा है, करेंगे आगे। एवरी पार्टनर हैज राइट टू डिसअलाउ, नहीं हाँ हो गया, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। क्या हुआ, 5 लोग पहले से पार्टनरशिप है, मान लो एक 6वां व्यक्ति को लाना चाहते हैं, उसमें 4 लोग पसंद करते हैं, ये पहले 2 बेंच के बच्चे, 6-5 बच्चे हैं, सिद्दीका है,
मौसम है, अभिषेक है, निक्की बुआ है और ये हमारे दिशा जी हैं। ये पांचों लोग पार्टनर, संस्कार इनमें जोड़ना चाहता है। तो ये तीनों लड़कियां बोली कि हाँ हाँ है, चलो हाँ है भाई, इसको जोड़ लो, ठीक है, मेहनती व्यक्ति है, काम करेगा। सिद्धिका भी किसी तरह मना लिया कि भाई हाँ कर दो, हम लोग के साथ ही पढ़ता है, अच्छा है, ठीक है। इसका बचपन से दुश्मनी है मौसम का, बोली हम नहीं जाए लाने देंगे। तो एक भी पार्टनर अगर ना बोल दिया तो वो नहीं आएगा। जब तक सारे पार्टनर अपना कंसेंट नहीं देंगे तब तक वो अलाउ नहीं होगा। तो एक उसका राइट है, वो डिसअलाउ कर सकती है, उसका राइट है। इसीलिए जब हम किसी नए पार्टनर को लाना चाहते हैं तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं वो पहले बैठ के विचार कर लेते हैं कि हाँ हम लाएंगे कि नहीं लाएंगे, कैसा होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। सार वो आने से पहले ही हम लोग तय कर लेते हैं, सब लोग अग्री हैं, सब लोग बोले हाँ, तब उसको हम इन्विटेशन देते हैं कि भाई आइए, अब हम लोग बैठ के विचार करते हैं कि आपको कितनी पूंजी लानी है, क्या लानी है, सब कुछ हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए एक पार्टनर का ये राइट होता है कि वो डिसअलाउ कर सकता है। आगे, एवरी पार्टनर इज ज्वाइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। कहता है हमारे पार्टनरशिप में जो भी प्रॉपर्टी होगी उस पर सबका हक होगा। मान लो ये बेंच खरीदा गया है और हम, विजय सर और अमर सर, हम लोग तीनों पार्टनर हैं, तो हम 30% के लिए पार्टनर है। मान लो हम तो है नहीं ऐसे, हम तो फैकल्टी है यहाँ के, हम तो बस जहां पे झोला उठाए चल दिए नरेंद्र मोदी की तरह, जहां बुला लेगा वहीं पढ़ा देंगे। तो अगर हम पार्टनर हैं तो इस बेंच पे मेरा भी 30% का हक आ जाएगा कि नहीं? अगर एक पार्टनरशिप फर्म में हम 30% के लिए पार्टनर हैं, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि हर चीज पे आप 30% का आपका हक है ना। तो यहाँ पर वही बात लिखा है, ईच पार्टनर इज अ जॉइंट, इसमें बताना नहीं पड़ेगा, ये आपका हक है। अगर कोई पार्टनर, अगला पॉइंट, अगर कोई पार्टनर, इफ अ पार्टनर हैज गिवन अ लोन टू द फर्म, अगर कोई पार्टनर किसी फर्म को लोन दे देता है, अपने ही फर्म को, किसी को नहीं, अपने फर्म को लोन देता है और हमने इंटरेस्ट रेट बात नहीं किया है, तो भी उस पार्टनर का हक है कि उसको 6% पर ईयर के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। भले ही बात है नहीं, उसका हक है, मिलना चाहिए। मान लो मौसम के घर के पास में ना एक वाईफाई का जो GTPL का कंपनी है वो उसका ऑफिस है, और मेरा GTPL का कनेक्शन है और हम लोग पार्टनर हैं, ऑफिस हमारा फुल ऑन में है। मान लो तो हमने कहा मौसम आज घर आते समय GTPL में थोड़ा क्या कर लेना, बिल जमा कर देना, ठीक है ना, बिल जमा कर देना। तो मौसम बिल जमा करके आ गई, तो इस पैसा को कॉम्पेंसेट फर्म करेगा कि नहीं करेगा? जरूर करेगा। खर्चा किसका है, खर्चा किसका है, ये फर्म का, और देना किसको है, मौसम को। तो मौसम को हम दे देंगे क्योंकि मौसम, ये कोई पार्टनर अगर फर्म के बिहाफ में कोई खर्चा करता है तो उसको कॉम्पेंसेट करना या उसको फुलफिल करना हमारा क्या होता है, हक है, उसका हक है, वो पाएगी भाई। ये तो कोई कठिन बात तो नहीं लग रहा ना इसमें कि सर हम खर्चा कर दिए हैं। हाँ, जैसे इसी सेंटर में शनिवार को पानी मंगा दिए 200 रुपए का, हम तो वो 200 रुपए हमको फर्म देगा कि नहीं देगा? हम भले ही पार्टनर है वो तो हमको देगा ही, वो तो खर्चा है, उसका खर्चा है, हमको क्यों? तो यही लिखा है, इफ अ पार्टनर हैज गिवन टू द लोन, गिवन लोन टू द फर्म, ही हैज अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट अग्रीड रेट। अगर रेट की बात की है कि 10% लेंगे, 12% लेंगे, 15% लेंगे, तो उस रेट पे मिलेगा। लेकिन अगर रेट की बात नहीं की है तो भी उसको 6% का रेट मिलेगा। 6% कहां से एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक्ट बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। ये कहां से तय कर दिया गया, 6% कौन तय कर दिया, एक्ट तय कर दिया कि अगर पार्टनरों के बीच में बात नहीं हुई है तो भी उसको 6% का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और अब अगर बात हुआ है तो जिस रेट पे बात हुआ होगा उस रेट पे मिलेगा। आगे चलें, उससे कम हो सकता है, बात हुआ, हाँ बात हुआ है भाई, पार्टनर के पास पैसा है, वो 2% पे बात कर ले तो क्या, जबरदस्ती हम 6% देंगे, सस्ता में काम हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ, अगर अग्रीड रेशियो हो गया तो हो गया। कहता है कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अग्रीड, then it is paid at the rate of 6% per annum. अगर agreed नहीं है, agreed तो 1% पे करवा लो तो अच्छी बात है, दिमाग तेरा ठीक है। प्रश्न पूछता है कि बोला है उससे कम हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, तो पूछा करिए ऐसे प्रश्न। Every partner has right to retire from the firm after giving a proper notice. हम जैसे 5 लोग हैं, अब इनका आगे की पढ़ाई लिखाई के लिए दिशा को जाना है ऑस्ट्रेलिया के लिए, कह रही है कि सर अब हम आगे MBA वहीं से करेंगे, ठीक है, पार्टनरशिप यहाँ हो गया, ऑस्ट्रेलिया इनको जाना है, तो इन्होंने कह दिया कि भाई हम रिटायरमेंट लेना चाहते हैं फर्म से, आप मेरा हिसाब कर दीजिए, तो एक नोटिस डाल दिया। फर्म क्या करेगा, उसके पैसे को इंतजाम करेगा। और यह ध्यान रखना, एक बात मेरा जो समझाना चाह रहे हैं वो समझो, इसको बिठा दें, इसको प्रिंट एक स्क्रीनशॉट ले लेना एक, क्योंकि आपको मिल जाएगा ये लिखा हुआ भी। खोले कहाँ गया यार
पार्टनर ऑन कर दिया, हाँ पार्टनर और पार्टनरशिप, ध्यान रखो सुनो ध्यान से। पार्टनरशिप में हम एक चीज पढ़े हैं कि जैसे हम लोग जब 11 शुरू किए थे तो उसमें हमने एक चीज पढ़ाया था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, फर्म और पार्टनर दोनों क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। यहां पे एक बात याद रखना है, वैसे वहां भी याद रखना था 11 में भी, लेकिन यहां भी हम चीज को समझा रहे हैं कि फर्म और पार्टनर दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बात आपकी बन गई कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू जब हम देखेंगे, जब अकाउंट्स की नजर से देखेंगे, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो पार्टनर और पार्टनरशिप, पार्टनर्स और फर्म दोनों क्या है? सेपरेट एंटिटी है, ठीक है, सेपरेट है। लेकिन जब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स और फर्म, पार्टनर और फर्म दोनों नो सेपरेट, वो सेपरेट नहीं है, एक ही है। इस बात को समझना अच्छे से, वो सेपरेट नहीं है, ध्यान से समझो इस बात को। मान लीजिए कि जब फर्म के बीच में झगड़ा लड़ाई होगा तो आपस में हिसाब किताब, झगड़ा लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे समझो कि जैसे इस साल प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बांटने का काम किसका है? फर्म का। फर्म खर्चे करता है और फर्म खर्चा करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उनको क्या करता है? पार्टनरों में बांट देता है, ठीक है ना। तो फर्म और पार्टनर दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन बिजनेस में वो कभी अलग नहीं होते, बिजनेस में हमेशा एक ही गिनते हैं। पार्टनर और पार्टनरशिप दोनों एक ही व्यक्ति है। जैसे मान लो कि मेरा एक पार्टनरशिप में जूते का शॉप है और हमने संस्कार को जूता बेच दिया, अब संस्कार का जूता फटा निकल गया तो वो आके क्या करेगा? पार्टनर को कुछ केस करेगा या फर्म को केस करेगा या पार्टनरों को पकड़ेगा? पार्टनरों को पकड़ेगा, क्योंकि पार्टनर फर्म जो कुछ भी करेगा उसका जिम्मेदार कौन है? पार्टनर है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेपरेट एंटिटी नहीं होती, लेकिन सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट हमें कब कहां काम आता है? अकाउंटिंग पॉइंट्स पे। अकाउंटिंग में हम फर्म अलग हैं, पार्टनर अलग। आप अकाउंट्स किसका बनाने वाले हैं? फर्म का कि पार्टनर का? फर्म का। आप हमेशा ध्यान रखेंगे आप फर्म हैं और आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज देखनी है। आप एक अलग अस्तित्व है आपका और आपके पार्टनर्स अलग अलग हैं। आप उनको सोचेंगे, जैसे हम मान लो स्कूल के एक हेडमास्टर हैं, हम तुम्हारे स्कूल के हेडमास्टर हैं, हम पार्टनर हैं, और अरे सॉरी, हम हेडमास्टर हैं, हम फर्म हैं, और ये हमारे टीचर्स हैं, तो ये हमारे लिए क्या है? एंटिटी अलग अलग है, हम अलग हैं, हम अलग हैं। समझ में आया? तो ये बात एक ध्यान रखिएगा। अब देखो एक अगला टॉपिक आ रहा है हमारा, 4 नंबर टॉपिक आपको मिला है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो पार्टनरशिप डीड एक अग्रीमेंट है, ये तो आप समझ ही गए। इस डीड में हम सारी की सारी बातें लिखेंगे कि फर्म में पैसा कैसे क्या होगा, सबके क्या दायित्व होंगे, ड्यूटीज क्या होंगे। इसमें 20 पॉइंट हैं लगभग। आपको इस 20 पॉइंट में क्या होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कुछ बातें समझ में आ जाएंगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जो अभी आगे के चैप्टरों में आप पढ़ेंगे, तो वो जैसे जैसे चैप्टर आप आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको वहां से बताते रहेंगे बार बार में। देखो ये भी डीड के समय में ये भी लिखा जाता है, डीड के समय ये भी लिखा जाता है, डीड के समय ये भी लिखा जाता है, ऐसा बताएंगे। फिलहाल यहाँ डीड के बारे में कह रहे हैं कि सिंस पार्टनरशिप इज आउटकम ऑफ एग्रीमेंट, इट इज एसेंशियल दैट द देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन अग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर। सारे पार्टनर हाँ करेंगे हर जो जो हम बातें रखेंगे। जब पार्टनरशिप बनने लगता है तो हम सारी बातें रखते हैं वहां पे कि देखो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये होगा। तो मानते हो बात, कोई कहेगा हाँ नहीं सर इसको बदल के ऐसे कर दीजिए, वो भी कर देंगे। तो कह रहा है सच टर्म्स एंड कंडीशन में बी इधर ओरल और रिटेन, वो ओरली भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा रहता है कि हम रिटेन बना लें। अभी लिखेंगे द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी, जो जो बातें हम बता के आए, कह रहा है लॉ इसको कंपल्सरी नहीं कहता टू हैव अ रिटेन अग्रीमेंट। हाउएवर इन ऑर्डर टू अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स, अगर आपका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, डिस्प्यूट्स हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इट इज ऑलवेज द बेस्ट कोर्स टू हैव अ रिटेन अग्रीमेंट ड्यूली साइन बाय द रजिस्टर्ड अंडर एक्ट। सब पार्टनर साइन करेंगे और रजिस्टर्ड कराएंगे एक्ट में, जैसे कहा गया है एक्ट में वैसा ही हम लोग करेंगे। सच अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन द टर्म्स एंड टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ द पार्टनरशिप। इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि आर्टिकलशिप डीड, पार्टनरशिप डीड को हम एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। द पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट, इसमें क्या क्या लिखा है ध्यान से सुनो। कुछ कुछ पॉइंट आपको समझ में आएगा, कुछ कुछ नहीं समझ में आएगा। जो जो नहीं समझ में आएगा कोई डरने वाली बात नहीं है, 1.5-2 महीने तक अभी ये चैप्टर चलेगा, 2 महीने तक आराम से।
उसमें आप धीरे धीरे साफ बात जाएंगे। सबसे पहले बोल रहा है पॉइंट नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, हमारे फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, नाम क्या है हमारे फर्म का, हाँ जो भी है झोला छाप खैनी जो भी आप खोलते हैं, हाँ विमल जुबा केसरी जो भी फर्म खोलेंगे वो होगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, सारे पार्टनर का नाम, उनका एड्रेस, उनका आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी जमा होना है वो जमा करेंगे, उनका वोटर आईडी कार्ड जो भी है, ठीक है। द टाइप ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म पर्पस टू डू, कहता है कि द टाइप एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस द फर्म पर्पस टू डू, पर्पसेस टू डू, किस उद्देश्य से किस तरह का धंधा करोगे, क्या करोगे धंधा में, वो भी आप डीड में लिख देंगे। ऐसा नहीं कि सर डीड बना दीजिए क्या करेंगे, बोले बच्चा डीड बन गया, लास्ट में कह रहे सर हम लोग सुपाड़ी लेने काम किए शुरू करेंगे, नहीं कि भाई हम चार आदमी पैसा लेके पांचवे आदमी मार देते हैं, है ना। इलेक्शन चल रहा है अभी तो, भारत का में सबसे बदनाम शहर हम लोगों का है बंगाल, इलेक्शन आते ही यहाँ पे बहुत खतरनाक खेल होना शुरू होता है। अभी सुने हो गार्डन रिच की तरफ में बिल्डिंग गिर गई है, सुने न्यूज उसमें। चलिए तो अमाउंट ऑफ कैपिटल, चौथा नंबर पॉइंट, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर एंड वेदर द कैपिटल अकाउंट विल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। आगे आधी बात आपको समझ में आई है, पीछे की आधी बात नहीं समझ आई, कौन पार्टनर कितना कैपिटल लगाएगा ये भी बात लिखेंगे, और हम कैपिटल अकाउंट को फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाएंगे या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाएंगे ये भी देखना होगा। अभी आपको ये समझ नहीं है कि सर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, तो जब आगे समझेंगे तो वहां समझ लेना कि दो तरह के कैपिटल अकाउंट होंगे, किस तरह का कैपिटल अकाउंट फर्म मेंटेन करेगा वो भी डेट में लिखा रहता है। अभी हम लोग इसी अगले क्लास में, हाँ अगले क्लास में इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आगे चलते हैं, कौन कितना ड्रॉइंग कर सकता है, फर्म को पहले आपको नोटिस दे देना पड़ेगा भाई, उसमें डीड में लिख देना पड़ेगा, नहीं तो पता चला कि हाँ सर हम 4 लाख से बिजनेस किए, दूसरे महीने कह रहे 3 लाख रुपए निकाल दीजिए ड्रॉइंग कर दीजिए, नहीं, ड्रॉइंग घर खर्चों के लिए कितना कौन निकाल सकता है, आपातकालीन स्थिति में क्या हो सकती है, ये सारी बातें डीड में हम लिखेंगे। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कितना परसेंट रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट रहेगा, प्रॉफिट की शेयरिंग क्या रहेगी, कोई पार्टनर अगर परचेज डिपार्टमेंट संभाल रहा है, सेल संभाल रहा है, उसको सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गुडविल क्या, गुडविल का वैल्यूएशन, गुडविल अभी आप पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे तो गुडविल कैसे वैल्यूएशन करेंगे, गुडविल का कितना कितना परसेंटेज क्या रहेगा, ये सब चीजें यहाँ पे। अकाउंटिंग पीरियड हम कौन सा मेंटेन करेंगे, हम जनवरी टू दिसंबर वाला चलाएंगे कि अप्रैल टू मार्च वाला चलाएंगे ये देखना पड़ेगा। मेथड ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग फॉर्म्स अकाउंट, हम लोग कैसे हिसाब से फॉर्म बनाएंगे, उसका ऑडिट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कितने दिन के लिए हम कब से शुरुआत कर रहे हैं पार्टनरशिप, हमारे पार्टनरशिप का टर्म कितने साल का रहेगा। गार्नर वर्सेस मूरे, ये नया चीज है, ये अभी पूरे 12 में आप नहीं पढ़ेंगे लेकिन बीच बीच में हम इसको समझा देंगे कि गार्नर वर्सेस मूरे पॉलिसी हम लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ये सब चीजें आती नहीं है लेकिन लिखा है। बैंक अकाउंट, किस किस बैंक में हमारा अकाउंट रहेगा, ये सारी बातें लिखी पड़ी हैं और ये धीरे धीरे जैसे आप पार्टनरशिप पढ़ते जाएंगे, बाकी पढ़ लीजिएगा कोई चीज नहीं। नंबर 5 टॉपिक हमारा आया है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, डीड बनाने का क्या लाभ है, हम क्यों डीड बनाए थे दिशा, किस कारण से हम डीड बनाए थे बताओ बच्चे, कोई डिस्प्यूट मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो वहां पे हम देख पाएंगे। ध्यान रखना हमारे पास 2 ऑप्शन है, अगर कोई दिक्कत होगी तो हमारे पास एक तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, डीड को, वो अगर कोई झगड़ा हो गया, झगड़ा है भाई झगड़ा है, हम तो हिंदी भी नहीं लिख पा रहे, क्या हो गया है पता नहीं क्या हिंदी नहीं लिख पा रहे, इतना खराब दिन आ गया मेरा। चलो अगर कोई झगड़ा है तो झगड़ा अगर हो जाएगा तो क्या होगा, सबसे पहले हम किसको देखेंगे, डीड को। लेकिन अगर हमारे पास में डीड में उस बारे में नहीं लिखा गया है तब हम किसको देखेंगे, फिर एक्ट को। ध्यान रखना पहले हम किसको देखेंगे, डीड। जैसे मान लो कि संस्कार बोला कि सर हमको सैलरी दीजिए, हम बोले भाई साहब सैलरी की तो बात ही नहीं हुई थी, आप बोले थे हम सर सेवा में, हम लोग को फर्म को बड़ा करना है, हम लोग काम करेंगे, हम सैलरी की तो बात ही नहीं हुई थी, अब आप कह रहे हैं सैलरी दीजिए, क्या दे, नहीं मिलेगा, बोल रहा है नहीं देना पड़ेगा, अब झगड़ा होना लग गया, हमने डीड में लिखा ही नहीं सैलरी के बारे में कुछ, है ना, हमने कहा एक्ट खोलो भाई, एक्ट में लिखा है कि ओह संस्कार दुखी हो गया, बोला उसमें लिखा है अगर बात नहीं हुई तो नहीं मिलेगा, बस अब इनका मुंह सूखे प्याज की तरह हो गया, बर्थडे में जो बैलून पिचक जाता है वैसा, ठीक है ना, बोला ठीक है अगली बार हम आप डीड बनाएंगे तो बता देंगे कि सैलरी चाहिए, तो पहले कोई झगड़ा होगा तो पहले किसको देखेंगे, डीड को, और डीड में अगर वो बात नहीं लिखी है तो फिर हम किसको फॉलो करते हैं, एक्ट को। सिद्धिका तुम क्यों दुखी हो भाई, तुम कुछ बोल नहीं रही आज,
भगवान राम तुम्हारा पूरा पैसा ही से ले लिए क्या? दान उन की वहां कुछ? Though the law does not make the mandatory compulsory for every firm have the partnership deed, it is desirable to have it due to the following reasons. ये जरूरी नहीं है कि डीड बनाना ही है, लेकिन हमारी इच्छा होती है बनाएंगे, जरूर बनाया करो। आप लोगों को भी बता रहे हैं कि अभी कभी भी पार्टनरशिप करेंगे, कितना भी घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, डीड जरूर बनाना। डीड अगर देखो, हम राजस्थान गए थे अपने दोस्त के साथ, आदित्य मेरा एक दोस्त है, SBI में है, तो बताए थे नहीं तो हंसा क्यों इतना जोर से? मेरे हर बात में हंसता है। ऐसा करो कि भाई हम कपिल शर्मा को चैलेंज कर देंगे कि भाई हम भी हंसा ही लेते हैं। तो डीड वहां पे हम लोग गए थे, पुष्कर गए थे, तो पुष्कर में वहां बाटी, वो दाल बाटी मिलता है खाने के लिए, राजस्थान में चूरमा दाल बाटी है ना, तो होटल में गए तो खा रहे थे, तो हम बैठे थे जिससे मेरे सामने वो बैठा था, और यही शायद बाएं दीवाल पे या पीछे किसी दीवाल पे लिखा था कि दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना, क्योंकि वहां सब टूर में जाते हैं। तो हम बोले आदित देख लो, कह रहा हाँ हम दे देंगे। हम बोले ठीक है, ड्राइवर साथ में आया, वो खाएगा, उसका कौन देगा? तो हम दोनों मिलके देंगे। तो भाई कहने का मतलब है कि दोस्ती कितनी भी पक्की हो, लेकिन धंधे पानी में हिसाब एकदम पक्के रखना। अगर धंधा पानी में हिसाब पक्का नहीं करेंगे तो पहली बात तो धंधा पानी खराब होगा, दूसरा आपका रिलेशन भी खराब हो जाएगा। और अगर धंधा पानी, सबसे बढ़िया चीज अगर कुछ रख सकते हो जो सब धंधे पानी को बचा के रख सकता है, वो अपने आप को कितना काम रख सकते हो। आपसे झगड़ा नहीं होना चाहिए किसी से। जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशनल जो लोग पढ़ लिख के चार्टेड हुए हैं, वकील हुए, उन लोगों को देखोगे कि जल्दी गुस्सा नहीं करते, बहुत बहुत कामली बात करते हैं आपको। वो कोशिश करेंगे कि वो सिखा ले जाए, बात को समझा ले जाए, क्योंकि अगर गुस्सा करने लग जाओगे, एक गुस्सा दूसरा भी गुस्सा, तो बात रुकेगी नहीं, वो बहुत बात बात में बात बढ़ जाएगी, और इतना बात बढ़ जाएगी फिर खराब हो जाएगा सब कुछ। इसलिए किसी भी सिचुएशन में गुस्सा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि जब गुस्सा झगड़ा आप नहीं करते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है, और शांत दिमाग से किसी परेशानी का हल निकाल पाओगे। अगर गुस्सा झगड़ा में रहोगे तो हल निकलना मुश्किल है। तो भाई इसी रीजन से पहला बोल रहा है, इट यानी कि पार्टनरशिप डीड रेगुलेट्स द राइट ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। हर पार्टनर का लाइबिलिटीज ड्यूटीज ये बता रहता है, तो कोई झगड़ा ही नहीं होता। तुमको कहा गया कि शटर तुमको उठाना है तो तुमको उठाना है, अब एक साल तक तुमको ही उठाना है। हाँ बोलो। आए दे दो उसको माइक, पूछ रही है क्वेश्चन, अनम्यूट करके, नीचे से अनम्यूट होगा। हाँ दे दो, ब्लू लाइट जला है तो दे दो ऊपर से। हाँ दे दो उसको माइक में, पूछा करो भाई क्या पूछ रहे हैं। सर पूछ रहे हैं कि अगर जैसे कि आपने वो सैलरी वाला एग्जांपल दिया, हाँ, तो अगर हम लोग को बाद में डीट में कुछ चेंजेस लगा, जरूर कर सकते हैं। ऐसा कौन सा ब्रह्मा का लकीर है कि लक्ष्मण खींच के चले गए अब रावण अंदर नहीं आ सकता? अगर मान लो कि हमने किया है ऐसा, करा है कि डीड में, अब दे दो उसको, हम समझा दे रहे तुम्हारा प्रश्न। हमने ये कहा, वो कह रही है कि इनका प्रश्न समझ में आ गया कि अगर डीड में हम लोग लिख दिए लेकिन संस्कार अपना एकदम जी जान से लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, तो हम लोगों को पार्टनरों को भी लग रहा है कि भाई ठीक बात तो ठीक ही, मेहनत कर रहा है तो उसको सैलरी कुछ देनी चाहिए, उसके वजह से हमारा सेल बढ़ रहा है, उसके वजह से हमारा ये काम हो रहा है, तो करा जा सकता है। तो डीड क्या होगी, पुरानी डीड में क्लॉज डालना है हमें कि भाई उसको सैलरी मिलना चाहिए, तो वो डीड क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा, हम फिर से रीड्राफ्ट करवाएंगे। इसको बोलते हैं कैंसिलेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फर्म नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पुराना पार्टनरशिप डिसोल्यूट हो गया, अब नया पार्टनरशिप का डीड बन गया। तो जब हम पुराने डीड को फाड़ के नया डीड बनाते हैं तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ, बोलो। हाँ भाई इस तरफ लिख लो, क्वेश्चन ऐसे ही पूछते रहना चाहिए कि सर हम बदल सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल बदल सकते हैं, थोड़ी एक ब्रह्मा की लकीर है। प्रिंट आउट लिया था इसका? तुम बेकार आदमी है, थोड़ा जूम कर लेना, हम छोटा छोटा लिख रहे हैं। क्या बोलते हैं, एक होता है डिसोल्यूशन, ये आखिरी चैप्टर है आपका, आपने अभी पूछा इसलिए भी पढ़ाते रहे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक तो होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसका मतलब समझ में आया दिशा तुमको? पुराना डीड फाड़ के नया डीड, क्लॉज डालना है या निकालना है, ठीक है ना, तो वो हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं, एक चीज और बताया, डिसोल्यूशन, जूम कर लेना भाई इसको, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है कि हम फर्म को ही खत्म कर देंगे, अब इस नाम का कोई फर्म ही नहीं रहेगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ, पुरानी डीड फट जाएगी और नया डीड आ जाएगा। तो कर सकते हैं, सब लोग अग्री है अगर तो कर सकते हैं, ठीक है, हो गया तुम्हारा प्रश्न? तो आज इतना रखा जाए या आगे बढ़ा जाए? अभी 15 मिनट हमारे पास समय है, एक टॉपिक और पढ़ा देते हैं, छोटा सा टॉपिक है पढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे पढ़ो, कोई बात नहीं। कितना मिनट हो गया इसमें देखो जरा, लंबा
हाँ तो बस ठीक है, 1.5 घंटा तो आपका क्लास ही है, हम इस बार 2-2 घंटा क्लास लेने वाले हैं, तो 1.5 घंटा की भाई इस बार लास्ट है तुम लोगों का, इस बार का बैच लास्ट है, पता है कि नहीं, अगले साल से सेमेस्टर हो जाने वाला है, 6-6 महीने में 2-2 बार बोर्ड होगा। क्या मजा आएगा बोलो, आधा टॉपिक पढ़ लिया, पार्टनरशिप का एग्जाम दे दिया, फिर आधा टॉपिक कंपनी का, हाँ सेमेस्टर वाइज हो जाने वाला है। अब आप लोग आखिरी पीढ़ी है हमारे जो साल भर में परीक्षा दे रहे हैं, अब 6-6 महीने में परीक्षा होगा, और मजे की बात क्या बोल रहे हैं आलू है, पहला सेमेस्टर पहला जो 6 महीने का सेमेस्टर उसमें एमसीक्यूज आएगा, खाली एमसीक्यूज आएगा, सोचो कठिन हो जाएगा कि सरल, अपने बुद्धि से बताइए, बोलो कठिन हो जाएगा कि सरल हो जाएगा, एमसीक्यूज का अगर पेपर लिया जाए 100 नंबर का एमसीक्यू अच्छा लगेगा तुमको, कितना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा मालूम है, हर चीज को एकदम डिटेल में जानोगे तभी करेक्ट टिक लगा पाओगे, नहीं तो चारों ऑप्शन तुमको लगे चाइना का है, चारों लड़कियां ऐसी लग रही हैं, हम किसको सही बताएं। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इट हेल्प्स टू अवॉइड, इसमें पार्टनरशिप का इंपॉर्टेंस का सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं, इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन लेड डाउन बिफोर द बिफोर हैंड इन द डीड। क्या बोलता है, हम लोग बिजनेस शुरू होने से पहले डीड में सारी बातें लिख लेते हैं, तो हमारे पास डिस्प्यूट्स मिसअंडरस्टैंडिंग होता ही नहीं। हाँ फिर अगर मान लो सब अग्री, जैसे वो बहुत मेहनत कर रहा है संस्कार, हाँ तो गिलास व्लास ठीक से धो देता है पूरा चाय का दुकान में, तो हम लोग बोले ठीक है सैलरी दिया जाएगा तुमको, छोटू का काम तू ही कर ले रहा अकेले। आगे सुनो, एनी डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स मे बी सेटल्ड इजिली एज द पार्टनरशिप डीड मे बी रीडिली रेफर टू। अगर जैसे वो सैलरी मांग रहा है तो किसी भी चीज को लेकर हम झगड़ा होगा तो हम क्या करेंगे भाई, डीड खोल लो, डीड की कॉपी सबके पास एक एक है, खोलो मिला लो, हम अपने घर में थोड़ी अलग से लिख दिए कि तुमको सैलरी नहीं दिया जाएगा, सब अग्री करके ही बनाए थे तो सैलरी नहीं दिया जाएगा। फिर भी सब पार्टनर लोग अगर ये जो बात पूछी, सब पार्टनर लोग अगर कुछ बात हाँ ना करते हैं तो उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, नोट क्या कहता है, नीचे नोट कह रहा है, हेंस इट इज ऑलवेज द बेस्ट कोर्स टू हैव अ रिटन पार्टनरशिप डीड ड्यूली साइंड बाय ऑल पार्टनर्स एंड रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। बोलता है इवन ओरल, और ओरल भी हो या रिटन भी हो, दोनों ऑप्शन है हमारे पास, फिर भी हम क्या करेंगे रिटेन। अगर आपके परीक्षा में एमसीक्यूज में आ जाए कि भाई ओरल है कि रिटेन होता है कि दोनों होता है, तो आप क्या टिक लगाएंगे, दोनों होता है, लेकिन अगर ओरल और रिटेन आ जाए तब क्या करेंगे, तब आप रिटेन पे ही लगाना, क्योंकि ये ज्यादा बेस्ट आंसर है, ठीक है ना। डीड तो कह रहा है कि आप कुछ भी बनाओ, मनाओ ही मत, तो कह रहा है ये हो, हम तो बनाएंगे नहीं, जो ओरल और रिटेन का एग्रीमेंट ही छोड़ो, हम तो बनाएंगे नहीं। अगर डीड बना है और कह रहा है ओरल रिटेन बोथ, तब तो आप बोथ पे लगा देना, अगर ओरल रिटेन में है तो आप किस पे लगाओगे, रिटेन पे, कि हाँ रिटेन हमारा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो 6 नंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इस पे आपका पूरा हाँ है और आपने पूरी बात समझ ली, केवल पढ़ना यहाँ पे, ध्यान से सुनो, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अगर हमने डीड नहीं बनाया तो क्या क्या नियम लग जाएगा, यह आखिरी टॉपिक हमारी चल रही है और इसको खत्म करके फिर हम आगे की बात चलेंगे, ठीक है ना, अगले दिन आगे बात चलेंगे। अब धीरे धीरे ऐसे टाइम बढ़ाएंगे, आप लोग तैयार रहिए, स्कूल तो अभी छुट्टी है मई तक, तो बड़ा बड़ा क्लास देंगे, अप्रैल तक छुट्टी है, मई से स्टार्ट हो जाएगा, फिर समर वेकेशन पड़ जाएगा, अप्रैल से शुरू होगा 18 मई। सुनो, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ध्यान रखना, अगर हमारे पास डीड एब्सेंस है, अगर हमारे पास डीड एब्सेंट है तो डीड इधर दिखाना भाई, चलो ठीक है वो तो जब पढ़ेंगे तो कर लेंगे, डीड एब्सेंट है, घसीटा में लिख रहे हैं लेकिन समझो, अभी हम सवाल कहाँ बना रहे हैं, अभी तो ऐसे ही लिख रहे हैं, राइटिंग मेरी अच्छी है, ठीक है। सबसे पहला बात ये, डीड अगर एब्सेंट है तो केवल 2 काम होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जितने भी पार्टनर होंगे सब में क्या होगा, इक्वल, ठीक है। दिशा 10,000 रुपए लगाई है, आदित्य 10,00,000 रुपए लगाया है, लेकिन अगर डीड नहीं बनाया है तो आप झगड़ा नहीं करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करेंगे हमेशा। तो जब भी आप पार्टनरशिप का सवाल बनाएंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए पीएसआर क्या है आपका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पीएसआर नहीं दिया है तो हम हमेशा इक्वल बांटेंगे, ब्रह्मा भी आके भगवान कृष्ण भी बोलेंगे बांट दो अच्छा लड़का है, बोलना नहीं डीड में हमने बात नहीं की तो नहीं देंगे, तो इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो वो परीक्षा में ऐसे ही कुछ घुमाएंगे। अगर डीड में लिखा है कि भाई 5-3-2 में बांट लो, 2-2-2 में बांट लो, 5-3 जैसे भी बांटने के लिए, तब वो ऐसा बांट देंगे, और अगर नहीं बोला है तो हम बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे, हम कैसे बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे। तब हम अपने मन से कोई सर कैपिटल जैसे लगाया वैसा रेशियो निकाल ले, नहीं भाई
डीड में बात ही नहीं हुई है, तुम नहीं निकाल सकते, हम इक्वली बांटेंगे, क्लियर। दूसरी बात, अगर हमने किसी पार्टनर ने कोई लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन बात नहीं हुई है तो 6% से देंगे, अभी बता के आए हैं, बस खत्म। यही दो बातें आपको याद रखनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करेंगे। ध्यान से सुनते चलना मेरी बात को, अब इन दो बातों के अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये बातें कब हम डिसीजन लेंगे, डीड, अगर आपके पास में डीड एब्सेंट है। सिद्धिका सुन रही हो, डीड हमने बनाया ही नहीं है, अग्रीमेंट हमने बनाया ही नहीं है। अब प्रॉफिट बिजनेस तो कर लिया, डीड नहीं बनाया तो पीएसआर की बात भी नहीं की, ओरल भी नहीं बनाया और रिटर्न भी नहीं बनाया, हमने बनाया ही नहीं है, डीड पे कोई बात ही नहीं की है। फूल बगान में ऐसे ही पार्टनरशिप होता है, बताए थे पिछले दिन, हाथ मिला लेगा चलो हो गया, ठीक है ना, और फिर झगड़ा लड़ाई करता है सब, है ना, माँ बहन का गाली दे देगा उसी में, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा, इक्वल, कब, और दूसरी बात, अगर कोई पार्टनर लोन दिया है और इंटरेस्ट का बात नहीं हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, 6% के हिसाब से देंगे। अब आगे बात सुनो, इस तरफ घुमाइए, आइए, सबसे पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है कि देखो उसको आप ना गोल कर लेना, पीएसआर पहला वाला पॉइंट को गोल कर लेना। क्या लिख रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या कह रहा है, कि कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसी होगी, बताइए, बोलो भाई दिशा, इक्वल। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब मेरी बात सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पार्टनर लोग शुरुआत में पूंजी लगाए, और हम पहले ही बता दिए कि पार्टनर और फर्म दोनों क्या है, सेपरेट एंटिटी है, तो मान लो कि हम फर्म है और इन तीनों पार्टनरों ने हमें दिया, तो ये क्या कहते हैं कि भाई आपको जो कैपिटल दे रहे हैं फर्म, उसके ऊपर ईमानदारी से हमको 10% का इंटरेस्ट दे देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। फर्म के लिए क्या है, वो खर्चा है, देना ही पड़ेगा, पार्टनर के लिए क्या है, वो इनकम है। इस तरह से सोचना, जब आप सवाल बनाएंगे तो इस तरह से आपको फिर से सोचवाएंगे हम, तो फर्म के लिए वो क्या है, खर्चा है, और पार्टनर के लिए क्या है, वो इनकम है, तो मेरे लिए डेबिट है, इनके लिए क्या है, क्रेडिट है। इनकम किस पार्टनर के लिए है, तो पार्टनर के लिए तो वो क्रेडिट है, सारा इनकम क्रेडिट होता है भाई, नहीं फिर 11 का बैच ज्वाइन करेगा क्या। और पार्टनर के लिए खर्चा है तो क्या है, डेबिट है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, हमारे पास में हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट के लिए 10,000 इनको इंटरेस्ट देना है, फर्म के लिए 10,000 इनको ब्याज देना है, 15,000 उनको देना है, 30,000 उनको देना है, तो कितना हो गया, 30, 15, 10, कितना हो गया, 55,000। हमको एटलीस्ट 55,000 कमाना पड़ेगा तब जाके हम इनको ब्याज दे पाएंगे। फर्म की कमाई 40,000 हुई है, अब क्या करें, इंटरेस्ट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, दिया तो जाएगा, लेकिन किस रेशियो में दिया जाएगा, अब तो उनके पास एप्रोप्रिएट है ही नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, अगर मान लो 55,000 देना है और हम 55,000 या उससे ज्यादा कमाए तो हम आराम से ब्याज दे सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं कमा पाए हैं उतना, तो जो चीज देना है जैसे उनका, तो उनका रेशियो क्या है, 10, 15, 30 था, तो उसका रेशियो निकाल के उस हिसाब से दे देंगे। अभी हम आगे सवाल में इसको और डिटेल में समझेंगे। पहला बात क्या बोले कि जो चीज हमें बांटना है पार्टनरशिप डीड में जो बातें लिखी हैं उसके लिए उतनी कमाई भी होनी चाहिए। अगर प्रॉफिट हुई नहीं हम कैसे दे देंगे, दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, तो उसको कैसे बांटा जाता है वहां समझेंगे। लॉस में आ गए, क्या इंटरेस्ट दे पाएंगे, नहीं, तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि बात तो हुई है लेकिन हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं हुई तो हम नहीं देंगे। अब तुम कहोगे सर डीड में बात हुआ, हमको तो इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए, तो अगर चाहिए ही चाहिए तो डीड में ये बात लिख देनी पड़ेगी कि चाहे लॉस भी हो तो भी हमको इंटरेस्ट चाहिए। फर्म और बड़ा लॉस खा जाएगा, फर्म कहेगा भाई मेरा और लॉस हो गया, हम 10,000 लॉस में चल रहे थे, 55,000 आप और मांग रहे हैं तो हम 65,000 लॉस में चले जाएंगे, यही तो होगा, हमको चाहिए तो बांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डीड में नहीं लिखा है कि लॉस होगा तो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो हम क्या नियम कहता है कि अगर अप्रोप्रिएट नहीं हुआ है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मतलब डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए लेकिन एक शर्त पूरी नहीं हुई, एप्रोप्रिएशन के लिए जो पैसा बांटना था वो पैसा ही नहीं आया मेरे पास उतना, तो हम नहीं देंगे। ठीक है, आगे सवाल कराएंगे तो क्लियर होगा। अभी खाली एक एक हम क्या कर रहे हैं ना, एक बाउंड्री आउटलाइन बनाते जा रहे हैं, जब वहां बताना शुरू करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बस इतना सा बात। तीसरा पॉइंट, लेकिन अभी खाली यहां पे समझो कि डीड में लिखा है तो मिलेगा, नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा, बस इतनी सी बात। हम इतना डिटेल में ले गए लेकिन आपको अभी खाली ये समझना है कि अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है तो दिया जाएगा, नहीं लिखा है तो नहीं दिया जाएगा, बस दैट्स इट।
आगे सुनो क्या लिख रहे हैं, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर्स इफ देयर इज अ प्रोविजन फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द डीड, इट विल बी अलाउड ओनली देयर इफ देयर इज अ प्रॉफिट। क्या बोल रहा है कि अगर डीड में नहीं लिखा है तो नहीं देंगे, और लिखा है तो देंगे प्रॉफिट में से। ठीक है, आगे सुनो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डीड में लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो नहीं देंगे। अगर डीड बनाया ही नहीं हो, मतलब डीड है ही नहीं, तो डीड है नहीं तो ड्रॉइंग के ऊपर कोई बात ही नहीं हुई, तो हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। और पार्टनर लोग जो ड्रॉइंग के रहेंगे वो कहेंगे हम भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, ड्रॉइंग के ऊपर भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। समझ में आया? आगे बात सुनिए, सैलरी बताइए, संस्कार बहुत मेहनत किया है, सैलरी देंगे कि नहीं देंगे? डीड में नहीं, डीड ही नहीं है। बोलो आदित्य, तुम्हारा दोस्त है बगल में घूसा मारेगा ना, कह रहा है मेरा सैलरी रोक रहा है, देंगे कि नहीं? बोलो नहीं देंगे, डीड नहीं है तो केवल ये दो काम होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। पांचवा नंबर पॉइंट को भी गोल कर लीजिए, इसको गोल इसलिए कराया क्योंकि पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर फाइव यही दो काम होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर फाइव को हमने गोल इसलिए करवाया क्योंकि यही दो काम होंगे, बाकी कोई काम नहीं होगा। पॉइंट नंबर फाइव में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन द पार्टनर्स लोन ऑफ द सच इंटरेस्ट शैल बी पेड इवन इफ देयर इज लॉस इन द फर्म। कह रहा है लॉस भी होगा तो भी आपको देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भाई? एक्ट बोल रहा है कि आपको देना पड़ेगा जब आप कैपिटल लगाते हैं। ध्यान रखना इस बात को, थोड़ा सा समझो, जब हम फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं, है ना, तो हमारे पास क्या होता है, डिसोल्यूशन करते समय हमारे पास क्या होता है, सारे के सारे एसेट्स बेचे जाते हैं, और सारे के सारे एसेट्स बेच के सारी लाइबिलिटी को पे ऑफ की जाती है। भाई आज हम फर्म खत्म करना चाहते हैं तो जितने भी हमारे पास एसेट्स है उनको हम बेचेंगे और उनसे जितनी लाइबिलिटी उसको पे ऑफ करेंगे। तो जब लाइबिलिटी पे ऑफ करने का समय आता है तो उसमें एक ऑर्डर मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले हम लोग किसको देते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मतलब बाहर वालों को हम चुकाएंगे, बाहर वालों का पैसा पहले चुकाएंगे, उसके बाद अगर पैसा बचता है तो पार्टनर लोगों का अगर कोई लोन है उसको चुकाते हैं। इसको भी चुकाने के बाद पैसा बचेगा तब जाके पार्टनर लोगों को कैपिटल का पैसा लौटाते हैं। तो ये जो पार्ट है ना, इसको भी ये फर्म क्या मानता है, एक्सटर्नल ही मानता है, बाहर वालों का ही मानता है। तो बाहर वाला कोई व्यक्ति अगर हमको लोन देता तो क्या हम उसको ब्याज देते कि नहीं देते? हम ये कह देते कि भाई इस साल धंधा ठीक नहीं हुआ, ब्याज मत ले, पिटबुल छोड़ देगा पीछे, समझते ही नहीं, कहेगा एक तो तुमको तुम्हारे मुसीबत के समय में हम तुमको दिए हैं कर्जा और तुम कह रहे हो कि हम ब्याज ही नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। समझ आया? तो इसलिए पार्टनर का लोन भी क्या माना जाता है, पार्टनर का लोन भी एक हम लोग एक्सटर्नल ही मानते हैं। इसलिए अगर डीड में नहीं भी लिखा है तो भी हमको इसका ब्याज देना पड़ेगा। एक तो बात ये हो गई, कंपनी लॉस भी कर रहा है तो भी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फर्म हमारा एंटिटी हमारी लॉस कर रही है तो भी हमको देना पड़ेगा क्योंकि एक्सटर्नल है, बाहर का है। ठीक है, कभी कभी पत्नी भी लोन दे देती है, पार्टनर की वाइफ भी लोन दे देती है, क्या ब्याज नहीं देंगे? कह देंगे बना लो अपनी पत्नी, कहेगा भाई हम तो दुखी चल रहे हैं ऐसे ही, है ना, आए दिन कुछ ना कुछ झगड़ा होता रहता है, इसमें तुम और झगड़ा लगाना चाहते हो, एक्सटर्नल है देना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या कहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहा है प्रॉफिट नहीं है तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनरों के बीच में बात है, ये तो यहां की बात है ना। तो पार्टनर लोग को तो तीसरा स्टेज पे आएगा, पहले तो बाहर की पार्टनर की वाइफ अगर दे रखी है लोन तो उसका ब्याज देना पड़ेगा, दूसरा पार्टनर लोन दे रखा है तो उसको भी देना पड़ेगा। इसके बाद ये ऑर्डर है, ये आप पढ़ेंगे, अभी जब आप डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें भी पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा एक्सटर्नल है इसलिए आपका फर्म लॉस भी करता है तो भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। अगला पॉइंट क्या है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये तो आपको पता ही है कि न्यू पार्टनर के लिए सारे पार्टनर को कंसेंट देना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। ईच पार्टनर विदाउट, देखो वही पढ़ रहे हैं, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, जितने पार्टनर पहले से हैं फर्म में, नो पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म, किसी भी पार्टनर को हम फर्म में नहीं जोड़ सकते। दूसरी बात, ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, चाहे डीड है चाहे नहीं है, ये आपका हक है, तो राइट में हम लोग पढ़ के आए। ठीक है, तीसरी बात क्या कह रहे हैं, पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म एंड एक कॉपी उसको घर पे भी रख सकता है, ये भी बात बता दी है, ये आपका हक है, राइट में पढ़े ही हो। तो डीड है चाहे नहीं है, आप पार्टनर है तो आपका ये हक है। और चेंज एनी वा प्रोविजन कमिंग टू एन एग्रीमेंट, क्या कहता है, एक चीज और हमने पढ़ा शायद, एक लाइन छोड़ दिया हमने, पेज नंबर वन में आओ, एक लाइन छोड़ दिया, मेरे दिमाग में आ गया, जहां पे हम लोग मेन फीचर पढ़े हैं, मेन फीचर में नीचे देखो एक नोट लिखा है, क्या लिखा है, पार्टनरशिप कैन नॉट कम इन टू एग्जिस्टेंस
इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द अबव मेंशनड एसेंशियल फीचर। कहता है ऊपर जो हम 6 फीचर की बात कर रहे हैं इनमें से अगर कोई भी फीचर नहीं है तो आपका पार्टनरशिप वो है ही नहीं। 2 या more person उसका कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, और फिर एक बिजनेस होना चाहिए, वो प्रॉफिट होना चाहिए। तीसरी बात कह रहे हैं कि वो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होना चाहिए। अपने मन का कोई झगड़ा लड़ाई करने वाला आ जाएगा तो नहीं चलेगा। आइए फिर से वहां पे लास्ट टॉपिक चल रही है आपकी, खत्म होने वाली है, खत्म यहां तक। तो नेचर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे एक बात को समझा रहे हैं, ये आखिरी बात है 7 नंबर पॉइंट तक। उसके बाद अगले दिन एक दिन और थ्योरी चलेगा, उसके बाद आप खुले पंछी में आजाद पंछी की तरह उड़ेंगे, मतलब सवाल पे आ जाएंगे। तो थोड़ा इसको पढ़ना, घर पे इसलिए दिया है कि इसको पढ़ना, दोबारा से पढ़ना, कोई डाउट्स बने कुछ बने तो उसको पूछना। क्या कह रहे हैं सुनो, एज पर अकाउंटिंग व्यू ऑफ पॉइंट, ये हम बता चुके हैं फिर भी समझा रहे हैं, ये अभी हम बता चुके हैं फिर भी बता रहे हैं, सुनो। मतलब आपके जो नोट्स में है वो सारा कंप्लीट है, हमने 4-5 बुक से निकाल के बनाया है ताकि आपको 4-5 बुक खोजना ना पड़े, और ये पूरे साल ऐसे ही नोट्स मिलता रहेगा। क्वेश्चन के लिए भी आप 10 किताब नहीं खोज सकते, उसका काम आधा काम मैंने ही कर दिया है कि आपके लिए सवाल थ्योरी सब खोज दिया है। तो इतना पढ़ के जाओगे, अब टीचर अगर तुम्हारे स्कूल में पढ़ाना शुरू करेगा तो आप उससे ज्यादा जानेंगे कम नहीं जानेंगे, आप उसको समझा सकते हैं कि देखो मैम मैडम जो है आप गड़बड़ा रही हैं। एज पर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट पार्टनरशिप इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पार्टनर्स। बात समझ में आया, जब हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो पार्टनर अलग है और फर्म अलग है ना? कहां दिमाग है? यही सब बोलते हैं, खैनी खाना छोड़ो, तुम खा लेता है दांत के नीचे दबा के बैठा है। चलो, एज पर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट पार्टनरशिप फर्म इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर और उसका फर्म दोनों अलग अलग हैं। पार्टनर और फर्म के बीच लेन देन होगा इसलिए वो अलग अलग है। लेकिन हाउएवर एज पर लीगल व्यू पॉइंट अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों एक ही हैं। यानी कोई झगड़ा लड़ाई होगा तो कौन पकड़ा जाएगा? फर्म की पार्टनर। पार्टनर फर्म में कोई झगड़ा लड़ाई होगा, कोई कमी आ जाएगी तो कौन पकड़ा जाएगा? पार्टनर। फर्म को पार्टनरशिप को एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहा जाता है, पता है ना आपको? मान लो ये तीनों पार्टनर जो सीपीएस वाले हैं, ये तीनों बीच बेंच में बैठे हैं, इन तीनों पार्टनरशिप है, और इन्होंने कुछ ऐसा हमसे कॉन्टैक्ट किया कि सर आप 20 लाख का माल दे दीजिए। हमने कहा ठीक है एडवांस करिए। इन्होंने 20 लाख दिया, हम गायब हो गए, दूसरे दिन से मेरा आता पता खत्म, 98314 बंद हो गया। अब ये खोजे तो नुकसान हो गया फर्म का। अब फर्म का नुकसान हो गया, इन लोगों की औकात ही नहीं थी, लोन उन लेकर के हमको दिया था 20 लाख रुपए। अब क्या करेंगे? अब इनके घर का प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके जो लोन वोन जो तुम्हारे कर्जा है उसको चुकाया जाएगा। इसको कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब पार्टनर्स आर लाइबल फॉर द होल लाइबिलिटी। अगर कोई लाइबिलिटी तैयार हो गई तो उसके जिम्मेदार कौन है? पार्टनर है। इवन उनके क्या करना होगा, उनके घर की प्रॉपर्टी को बेच देंगे, ठीक है ना? अब प्रॉपर्टी बेच करके जब, अच्छा प्रॉपर्टी, इसमें थोड़ी और डिटेल में जाएं कि मान लीजिए कि दिशा का घर का पर्सनल प्रॉपर्टी बेचा गया, कितने का बेचा गया? 10 लाख का, और फर्म नुकसान में है ना? तो दिशा क्या कहेगी कि भाई हम घर पे भी किसी से ले रखे हैं 2 लाख रुपया, तो पहले घर की लाइबिलिटी चुकाई जाएगी। पहले वो पर्सनल, जैसे 10 लाख का बेची तो 2 लाख पर्सनल डेट पहले क्लियर करेगी, अब 8 लाख वो फर्म को दे देगी। ये इतना डिटेल में बता दिया, आप पढ़ेंगे आगे, पढ़ेंगे जब पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। समझ में आ रहा है? तो मेरा वो मैटर नहीं है, मेरा मैटर है कि ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि जब पर्सनल कुछ दिक्कत हो जाती है, फर्म में कुछ दिक्कत हुआ, तो पार्टनर के घर के प्रॉपर्टी भी बेच करके उसको भरना पड़ेगा। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। रिलायंस कंपनी है, रिलायंस का एक एक शेयर का दाम अभी 2000 रुपए के आसपास है। मान लो तो आपने एक शेयर खरीद रखा है 2000 रुपए का, अब मान लो एक शेयर है 2000 रुपए का, तो अगर वो कंपनी नुकसान खा जाए कई हजार करोड़ का, तो क्या हमको चिंता होगी? नहीं, हम 2000 रुपए का चिंता लेंगे, भाई 2000 मेरा डूब गया, खत्म हो गया। तो कंपनी क्या होती है? बोलो, लिमिटेड लाइबिलिटी। इसीलिए कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड लिखा रहता है। अब देखा है कंपनी के नाम के आगे? आप देखते हैं किताब में, कहीं भी रास्ते में चलते हुए बोर्ड वोर्ड पढ़ा करो, पागल जैसा खाली मोबाइल ही नहीं चलता रहे। मोबाइल एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको इंस्ट्रूमेंट जैसा यूज करो, उसको हावी मत होने दो। तो उसमें प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है और लिमिटेड LTD, PVLTD, PVT LTD लिखा रहता है। तो जहां PVT LTD लिखा है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और जहां LTD लिखा हुआ है दैट इज लिमिटेड कंपनी है।
लिमिटेड कंपनी में आप जितने रुपए के शेयर होल्डर हैं आप बस उतने दूर तक लायबल हैं, आपका घर का कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचा जाएगा, चिंता नहीं करना है। लेकिन अगर आप इसमें पार्टनरशिप में हैं और कोई पार्टनर गलत डिसीजन ले लिया और कोई नुकसान हो गया तो आपके घर का भाई पार्टनर है, आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी है, आपको घर का प्रॉपर्टी बेच करके देना पड़ेगा। अब दिशा के दिमाग में आ रहा है कि सर अगर फर्म लॉस किया 20 लाख रुपए तो क्या हम ही पूरा भरेंगे 20 लाख? नहीं, उस लॉस में आपका हिस्सा आएगा कि भाई इतना रुपए आपके हिस्से आया है, आप उतना दीजिए। अगर उतना दे दिया और तुम्हारा घर का प्रॉपर्टी ज्यादा है, तुम आराम से दे सकते हो, दे दिया भाई इतना पार्टनरशिप में लॉस हम दे दिए, तो निकल गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिशा है, निक्की है और अभिषेक है, अभिषेक के हिस्से ज्यादा लॉस आ गया, लेकिन अभिषेक रहता है मिट्टी वाले घर में, झोपड़ी में, बोला जी बेच के कितना मिलेगा 10,000, उसके हिस्से का नुकसान आ गया 50,000, वो 10,000 दे करके नक्की हो गया हटाओ भाई। अब 40,000 उसके हिस्से का नुकसान है, 40,000 उसके हिस्से, उसका नुकसान कौन भरेगा? निक्की भरेगी और दिशा भरेगी। तो यहीं पे एक नियम लगता है गार्नर वर्सेस मूरे, बहुत एडवांस बात बता रहे हैं, अभी आप पूरे साल में सब पढ़ेंगे, फिर भी हम मतलब अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके हिस्से का लॉस बाकी पार्टनर भरेंगे अपने प्रॉपर्टी से, अपना तो भरेंगे ही उसका वाला भी भरेंगे। वो कैसे भरेंगे, वहां एक नियम लगता है, उस नियम का नाम है गार्नर वर्सेस मूरे। तीन दोस्त थे, गार्नर, मूरे और विल्किंस, ऐसे ही गांधी जी के तीन बंदर। बोला गांधी जी के तीन बंदर नहीं, अब गांधी जी के 14 बंदर भी पैदा हो गया, उसके हाथ में हमेशा मोबाइल रहेगा। तीन तो ऐसे 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 क्या था ना, बोला एक चौथा बंदर भी बन गया, कहीं से पार्क में देखा बनाया है कि अब तुम लिखना, मजाक नहीं, तुम गूगल पे लिखना गांधी जी 4 बंदर, 3 नहीं 4 लिखना, देखना फोटो आएगा, एक तो मोबाइल लेके बैठा है। सोचो क्या बीमारी आ गई है। अब धीरे धीरे लोग मोबाइल से परेशान हो रहे हैं, और मजे की बात है कि अब धीरे धीरे मोबाइल खत्म होगा, आने वाले 3-4 साल के अंदर में मोबाइल खत्म हो जाएगा, मोबाइल घड़ी में आ रहा है। हाँ, घड़ी में आ गया, पहले तो स्मार्ट वॉच पढ़े थे आप, स्मार्ट वॉच में क्या होता था, जस्ट वो रीड पेयर कर देते थे, चलता था। अब वो घड़ी में ही पूरा का पूरा, घड़ी नहीं वो फोन आ गया, मिनी वो उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे, वो अपने आप में चलेगा, उसी में सिम कार्ड लग रहा है। विजय सर ने लिया है, उसमें सिम कार्ड लगे, उसी में यूट्यूब चलेगा, उसी मैप चल रहा है, हाँ उसी में मैप चल रहा है, फायर वोल्ट का है शायद, 7-7.5 हज़ार रुपये दाम है, अच्छा है भाई। दिन भर गिजिर गिजिर करने से अच्छा है कि छूट जाएगा वो, हाँ चलता रहता है, वो छूटेगा कि नहीं, जो जरूरत लगे, कॉल वॉल करने के लिए ब्लूटूथ कनेक्ट है, फट से कॉल कर लिया हो गया, उससे ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो किसी और ब्लूटूथ से कनेक्ट है, मतलब वो एक डिवाइस बन गया है, और अच्छा कदम है। हम तो बोले भाई अब तो ले लेना चाहिए, जिनको एडिक्शन हो गया है फोन वोन का, उनको घर में कंप्यूटर लगा लो और फोन वोन के लिए यही रखो भाई। दिन भर बैठ के गिजिर गिजिर करने से, जब तक वो हाथ से छूटेगा नहीं ना, जब तक हटाने का ऑप्शन नहीं आएगा, तब तक तो लोग उसमें लगे ही रहेंगे। और एक तो बड़ी मुसीबत की चीज है कि सबके घर में वाईफाई हो गया, एक तो और दिक्कत का चीज है, डेटा का भी कोई चक्कर नहीं है, दिन भर देखो, कभी कभी तो आंख दर्द हो जाता है भाई, रात भर वेब सीरीज देख लिया। एक तो हैसल आया था ना, हसलर क्या आया था, तुम लोग को भेजे थे ना हम शायद ग्रुप में, नहीं हाफ सी नहीं, एक अभी एक आया है उसको देखना, आज भेज देंगे अमेजन मिनी पे, एक मिनी डी पे एक हसलर आया है, वहां पे हम भेज देंगे लिंक, देख लेना, बहुत अच्छा है। चलो जी, तो यहाँ पे एक चीज बात समझ में आ गया, इधर थोड़ा और 5 मिनट और बस, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम और तुम दोस्त नहीं है, अलग अलग है, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोनों एक ही है, ठीक है। तू कहे इतना दुखी है, कुछ चोरी वोरी हो गया क्या तुम्हारा, कि मैम लोग बोल दी डांटी है कि इतना कम नंबर कैसे आया। इन अदर वर्ड्स इट हैज नो एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम द पार्टनर्स, इट मींस इन केस ऑफ बैंकरप्सी, अगर बैंकरप्सी हो जाती है, नुकसान हो जाता है, ऑफ द पार्टनरशिप, प्राइवेट स्टेट यानी प्राइवेट संपत्ति ऑफ द पार्टनर्स वुड बी लायबल फॉर टू मीट द फर्म्स डेट। फर्म का डेट मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्म्स के अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, पत्नी छोड़कर, ठीक है। रितेश बोला अभी तो है भी नहीं, हाँ तो जब रहेगी पर्सनल प्रॉपर्टी वो भी तुम्हारा, लेकिन वो नहीं बेचा जाएगा, मतलब हाँ बेच देते हैं लोग। ले हंसी कर रहे हैं हम, महाभारत में क्या हुआ था, युधिष्ठिर ने अपने पत्नी को पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के लगा दिया, भाई इसको भी हार जाएंगे। तो यहाँ नियम कानून इसीलिए 1932 में बना दिया गया कि भाई पत्नी उतनी मत बेचो, उस पर आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है लेकिन हक नहीं। तो आज इतना दूर तक रखते हैं, आज इतना रुको, आप इसको पढ़ेंगे घर में अच्छे तरीके से, और इसमें कोई डाउट्स बनेगा तो लेके आएंगे। अगर ये जो डॉक्यूमेंट आप जेरोक्स करा रहे हैं, इसको फाइल में अच्छे से लगाएंगे, कहीं खोना नहीं, नहीं तो बार बार यहाँ से प्रिंट नहीं होगा, गुस्सा आ जाएगी तो प्रिंट तो नहीं देगी, इसलिए इसको फाइल में लगाते रहिए।
अब आगे आपको कभी किसी को शेयर करना है, किसी को देना है, तो वो लिंक दिया हुआ वहां से डाउनलोड करके अपने दोस्तों को देते रहिए। आज इतना ही रखते हैं, अगले दिन थ्योरी और थोड़ा पढ़ेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।